सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमास्तुते। क्या हो गया गुरुजी? गले में जानी ना होगी तो तान का खाक लगाएगी। लगता है गले में कुछ खराश हो गई है। ये क्या है किरण? हैं? अरे ये क्या बताएगी, मैं सब जानता हूँ। आजकल की पोंद को पहेलियों के साथ इधर उधर भटकना, देर रात तक चिल्ला चिल्ली करना, जो मन में आए खाना पीना, ये संगीत से प्रेम के लक्षण है। ऐसे में कुछ नहीं होने वाला है। नहीं नहीं गुरुजी, ऐसा मत कहिए। किरण, तुम्हें शास्त्रीय संगीत की ऊंचाइयों को छूना है या नहीं, उसके लिए गुरुजी के चरणों में मन प्राण से अपने आप को समर्पित करो। सॉरी गुरुजी। सॉरी गुरुजी, हम दो चार दिन के बाद आएंगे, तब तक अपने गले की खराश साफ करके रखना। नमस्ते जी। अरे यार, तुम्हारे गुरुजी को मुझसे क्या प्रॉब्लम है? छोड़ ना यार, ये तो यहाँ का रोज का नाटक है। अच्छा सुन, वो न्यू ईयर पार्टी की टिकट्स लेके आई? चेहरा किसी का लेके
कातिल दिल भर हमारा जिसके लिए मैं हुआ आवारा मिलते ही जिसने चूमा था मुझको फिर ना पलट के देखा दोबारा और इसीलिए दोस्तों मैंने फैसला किया कि फिर कभी किसी से प्यार नहीं करूंगा, कभी किसी लड़की को अपना दिल नहीं दूंगा। जख्म दिया है जो ना फिर भरेगा हर हसीन चेहरे से अब ये दिल डरेगा। हम ता जान देकर यूं ही मर मिटे थे, सुन लो ऐ हसीनो ये हमसे अब न होगा। ऐसा जख्म दिया है जो ना फिर भरेगा हर हसीन चेहरे से अब ये दिल डरेगा। हमसे अब न होगा ऐसा जख्म दिया है। रसीले होठ छलकते गाल मस्तानी चाल बुरा कर दे हाल, पलक फड़के दिल धड़के उम्र की उठान कड़कती कमान। कातिल अदा सालिम हया मेरे खुदा, शोला बदन दहका चमन मगर यारो हम तो जान देकर यूं ही मर मिटे थे, सुन लो ऐ हसीनो ये हमसे अब न होगा ऐसा जख्म दिया है। Thank you.
बिस्कुट और ये ब्रेड का पैकेट। और कुछ चाहिए? जी नहीं। कितने हुए? 15 रुपये। फरीदा बेन, ये रोहित कुमार तुम्हारे ऊपर के ही फ्लैट में रहता है, सारा दिन चिल्लाता रहता है, ये सुन के तुम्हारे कान नहीं पक जाते हैं? सेठ जी वो रियाज करता है, उसकी लगन है, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं होती। अरे ओ प्रकाश, क्या सुबह सुबह हिसाब लगा रहे हो? चलो चाय भाई नहीं पीनी है क्या? क्या बताऊं मूलचंद भाई, 3 महीने का हिसाब बाकी है ये रोहित कुमार का। कपड़े तो नए नए सिलाता है लेकिन सिलाई के पैसे का पता ही नहीं है। अरे उधार तो हमारा भी इतना चढ़ गया है कि किसको बतावे। अरे ओ कन्हैया, आओ आओ चाय भाई पीते। चल भाई चाट कर। बहारों का मैं आशिक, मैं ये सब कसूर तेरा है। खुद रहता है वो गैरेज के पीछे के कमरे में और इतना बड़ा घर दे दिया किराए पे वो गवैये को, अभी तक किराया नहीं मिला है ने? अरे नहीं मिला है तो मिल जाएगा, आदमी मस्त है। कैसे रोहित? हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटे, गुड मॉर्निंग। अरे कासिम इधर आ। हाँ अभी आ। ओह बहुत भूख लगी है। क्या लाऊं? 2 फ्राइंडा, हाँ 4 टोस्ट, बटर जैम और एक स्पेशल चाय। अभी ला। मिस्टर रोहित कुमार। ओहो जमशेद सेठ, साहब जी केम छो? केम छो बेम छो, छोड़ो मुद्दा की बात करो। अरे हाँ, आपका 2 महीने का बिल ना? बस आज पहली है, 30 तक दे देता हूँ। ठीक है, क्या बोला, 30 तक? हाँ, 30 में और पहले में कितने दिन का फर्क है? 1 दिन का बस। 30 और पहले में बावा को भी टोपी पहना रहा है। और क्या? अरे रोहित, कल रात को तो तेरा शो था, कैसे गया? अरे कन्हैया जी, हंगामा था हंगामा। क्या कह रहे हो? बस मैं गा रहा था और पब्लिक दीवानी हो रही थी। और लड़कियां? ओहो लड़कियां तो मुझ पे निछावर हो रही थी, निछावर। हाय हाय। लेकिन कन्हैया जी, मेरी नजरें सिर्फ एक लड़की पर थी। क्या आंखें थी उसकी, क्या चेहरा था उसका। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और बस प्रोग्राम खत्म हुआ और पता नहीं कहाँ चली गई। कन्हैया जी, वो लड़की अगर मेरी जिंदगी में आ जाए तो मैं ऐसे गाने बनाऊंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। ये सपने तो सभी देखते हैं रोहित कुमार, लेकिन हर कोई थोड़ा किशोर कुमार बन जाता है। ए मुलचंद, तू आटे दाल का भाव जानने वाला कलाकार की कदर क्या जाने। देखना एक दिन अपना ये रोहित कुमार हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गायक बनेगा। चीयर्स। चीयर्स चीयर्स चीयर्स। बहुत देर में आते हैं, क्या करो यार। साला कोई सुन ही नहीं रहा है। एक लेन, वो देख मेहरा को, साला कल शाम के शो की कमाई गिन रहा। कम से कम 50-60 हज़ार रुपए बनाए होंगे उसने कल के शो के, और हमें एक पैसा भी नहीं। साला मेहरा साहब, नया साल मुबारक हो। नए साल में क्या खास बात है, वही दिन वही रातें। वैसे कल का शो बहुत शानदार रहा। नहीं शो? हाँ ठीक था, ठीक था, था। ये देखिए कितने पैसे कमाए आपने। ये क्या कर रहे हो? सर ये सब मेरी वजह से तो है, सब लोग मेरा गाना सुनने तो यहाँ आते हैं, उसी की तो कमाई है ये सब। मिस्टर रोहित कुमार, तुम्हारी 2 तस्वीरें क्या लगा दी कि तुम अपने आप को स्टार समझने लगे? आर यू स्टार? सर मैं तो तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने रिस्क लेकर के तुम्हें इतनी बड़ी गैदरिंग में गाने का मौका दिया, वरना तुम जैसे फटीचर आर्टिस्ट हारमोनियम लेकर के सड़कों पर गाते फिरते हैं और कोई 2 कौड़ी भी नहीं देता। एहसान फरामोश। हाय हाय। ये क्या बदतमीजी है, तुम यहां गाना गाने आते हो लड़कियों से आंख लड़ाने के लिए? नहीं सर, मैं आंख नहीं लड़ा था सर, मैं तो सिर्फ उसको। I'm sorry, मेरी वजह से आपको डांट पड़ी। अरे नहीं नहीं, मेरा साहब की डांट खाए बगैर मेरा पेट नहीं भरता। हाँ बोलिए। मैं आपसे गाना सीखना चाहती हूँ। मुझसे? देखिए, आई थिंक यू आर फैंटास्टिक सिंगर, यू आर रियली वंडरफुल। और क्या गाना लिखते हैं आप? आपका गाना सुनने के बाद मैं पागल हो गई हूँ, मैं और कुछ सोच नहीं सकती हूँ। आई मीन क्रेजी। पता है आपका शो देखने के बाद मैं सारी रात नहीं सो सकी, वो गाना मेरे कानों में गूंजता रहा। आप जानती हैं कि शो के बाद मैं भी रात भर सो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि एक नई धुन ने मुझे रात भर जगाए रखा। आप सुनेंगे? Of course. Hold this. Thank you.
राजा को रानी से प्यार हो गया, पहली नजर में पहला प्यार हो गया, दिल जिगर दोनों घायल हुए, तेरे नजर दिल के पार हो गया। राजा को रानी से प्यार हो गया। Fantastic, wonderful, कितना खूबसूरत गाना है, so romantic. मुझे ऐसे ही गाने गाने हैं, नौ शास्त्र संगीत, आप मुझे ऐसे गाने सिखाइए ना प्लीज, मैं बहुत मेहनत करूंगी। No problem. Great. Wow. रानी से प्यार हो गया, पहली नजर में पहला प्यार हो गया, दिल जिगर दोनों घायल हुए, तेरे नजर दिल के पार हो गया। राजा को रानी से प्यार हो गया, राजा को रानी से प्यार हो जा
को रानी से प्यार हो गया, पहली नजर में पहला प्यार हो गया। किरण, हम लोग शादी क्यों निकल लेते? क्या? I'm serious. मैंने इसके बारे में कभी सोचा नहीं। मैंने तो सिर्फ एक चीज के बारे में सोचा है। क्या? मेरा करियर, मेरा संगीत। मैं इस देश की नंबर वन सिंगर बनना चाहती हूँ। वो तो जरा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वो जगह तो कब से मेरे लिए बुक है। किरण, हम दोनों का एक ही सपना है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? हमारी एक ही मंजिल है, हम दोनों वहां साथ पहुंचेंगे। बोलो, तुम मुझसे शादी करोगी? ये बताइए, कैसे आना हुआ? पिताजी एक बहुत मशहूर गायक हैं। तो आप गायक हैं? सर, एक्चुअली मैं एक कंपोजर हूं। मैं अपने गाने खुद ही गाता हूं, खुद ही बनाता हूं। शास्त्रीय संगीत? नो, क्लासिकल नहीं। मैं तो हल्के पुल्के गीत गाता हूं, हल्के पुल्के। कितने हल्के? आप समझे नहीं। समझाइए। मैं वो गीत गाता हूं जो दिल को लुभाते हैं। ये गाना कहां गाते हैं आप? फिलहाल तो मैं एक होटल में गा रहा हूँ। होटल में गाना? मेरे ख्याल से होटल में गाना तो ऐसे है जैसे कटोरा लेके भीख मांगना, गले में पेटी लटका इधर उधर घूमना, किसी ने 10 डाल दिए, किसी ने 5, किसी ने कुछ। बस बहुत हो गया, मैं अपना यहाँ करियर डिस्कस करने नहीं आया था। तो किस लिए आए थे आप? किरण, मैं जा रहा हूँ। रोहित, रुक जा। रोहित, मेरी बात तो सुनो। मैंने रोहित को यहाँ इसलिए नहीं बुलाया था कि आप उसकी बेइज्जती करें। तुम मुझे मूर्ख समझती हो? पहले ही नजर में भाप गया था कि तुमने उसे यहाँ किस लिए बुलाया था। बेवकूफों वाली बातें छोड़ो, तुम्हारी शादी तय हो चुकी है। मैं रोहित से प्यार करती हूँ। सुना सुना क्या कह रही है ये? देखो, जरा सोच समझ कर बात करो किरण, ऐसा नहीं होता। परसों की शिक्षा, सारी विद्या, अपने सारे आदर्श बुला के रख दिया इसने। अगर आपको मेरी शिक्षा, मेरी विद्या पे नाज है तो मेरे फैसले पर भी भरोसा होना चाहिए। देखो, मुझे तो वो चालाक लगता है, तुम्हें फंसा रहा है। तुम अभी ना समझ हो। मैं ना समझ नहीं हूं। माँ, तो क्या हो तुम? क्या हो? मैं एक कलाकार हूँ, और वो भी आप हमारी भावनाओं को नहीं समझ सकते। मैं नहीं समझ सकता? कलाकार है वो, सड़क छाप गवैया है, एक नंबर का आवारा। उससे शादी करने चलिए, 2 दिनों में आटे दाल के भाव का पता लग जाएगा, फिर रोती हुई आना, लेकिन उस वक्त इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद होंगे। अच्छा हुआ जो आपने ये सब कुछ कह दिया, अब मुझे फैसला करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। मैं रोहित से ही शादी करूंगी। किरण, किरण, thank you.
बस आज रमेश जी मेरे गाने सुन के एकदम चकरा जाएंगे, तुम देखना। मैं भी चले तुम्हारे साथ, मैं 2 मिनट में तैयार हो जाऊंगी। लेकिन आज तो मिस्त्री आ रहा ना नल ठीक करने के लिए। मैं चलता हूँ। ओके बाय। थैंक यू। लेकिन तुम वहाँ 4 माला कैसे चल पाओगी, वो भी इस हालत में? ये तुम्हारी पहली रिकॉर्डिंग है और मुझे भी तुम्हारे साथ आना था। कोई फिल्म की रिकॉर्डिंग थोड़ी है, छोटे से इश्तेहार की रिकॉर्डिंग है। फिर मैं कब लोगों से मिलूंगी, कब मेरा काम शुरू होगा? कुछ ही महीनों की तो बात है, ऐसा तो नहीं कि तुम एकदम। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, खाना बना रही हूँ। और क्या, चाय पियोगी? हाँ क्यों नहीं, बनी हुई है। हाँ 4-5 दिनों से तुम नजर नहीं आई, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बिल्कुल। क्या बात है, कुछ परेशान लग रही हो? नहीं तो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारा रियाज कैसे चल रहा है? रियाज? घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती, रियाज कैसे करूँगी? लेकिन किरण, तुम घर के कामों में इस तरह उलझी रहोगी तो तुम्हारे गाने का क्या होगा? दिन में थोड़ा सा वक्त तो अपने गाने की प्रैक्टिस के लिए निकालो। देखो ना, अभी खाना पकाने के बाद सोनू को स्कूल से लाना है। अरे सोनू को मैं ले आती हूँ। हाँ इसमें क्या है? थैंक्स। हाय किरण, जरा मेरा नहाने का पानी जल्दी तैयार कर देना, आज मुझे पार्टी में जाना है। कैसी पार्टी? और एक और खबर सुनो, मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी है। नौकरी छोड़ दी? क्यों? बस उस मोटे मेहरा की काफी गालियां सुन चुका था मैं, और वैसे भी मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है। तुम जानती हो, आज मैं गुलबदन कुमार से मिला। गुलबदन कुमार? प्रिंस रिकॉर्ड कंपनी का मालिक। पता है कितना मुश्किल है उससे मिलना? मैं तो सीधे उसके ऑफिस में घुस गया, उसको 2-4 गाने सुनाए, मेरी आवाज बहुत पसंद आई उसको। उसने कहा आज शाम को पार्टी है, तुम जरूर आना। लगता है आज मेरी बात बन जाएगी। ये लो जरा इस्तरी कर देना इस पे। रोहित, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम वहाँ क्या करोगी, बोर हो जाओगी तुम? नहीं, मैं बोर नहीं होंगी। और सोनू? सोनू को फरीदा सुला देगी। ठीक है तुम भी चलो, लेकिन कुछ अच्छे कपड़े पहनना। ओके ये लो जरा जल्दी स्त्री कर देना। मुबारक हो गुलबदन कुमार जी, जब से आपकी रिकॉर्डिंग कंपनी मैदान में आई है म्यूजिक का सेल ही बढ़ गया है। सब माता जी की दया है। वो देखो डबल गोल्ड स्वामर कौशल, किरण एक दिन ये सब मेरे लिए होगा। या मैंने एक कैसेट पे अपनी आवाज रिकॉर्ड की है। रोहित? हाँ? मैंने अपनी आवाज एक कैसेट पे रिकॉर्ड की है, इसे गुलबदन कुमार को दे दोगे? हाँ ठीक है। और भाभी जी? गुड इवनिंग सर। ठीक है। अच्छा, जय माता दी, जय माता दी। कैसे हैं राकेश जी आप? सर रोहित कुमार। सर रोहित कुमार? हाँ रोहित कुमार। सर बहुत अच्छी पार्टी दी आपने, बहुत अच्छी। बस क्या बात है जी। सर वो आपने मेरा कैसेट सुना सर? हाँ हाँ। कैसा लगा सर? क्या बात है जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओहो, जय माता दी, जय माता दी। आइए गल्लू जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप तो गोल्ड पर गोल्ड मार रहे हैं। अरे फोटो लो भाई। लुजे छाया में आप? अरे नहीं जी नहीं। सुपर हिट है आप। आजकल बच्चे बच्चे की जबान पर अगर किसी का नाम है तो वो है अमर जी और कौशिक जी। अमर जी और कौशिक जी, जादू वो जो सर चढ़कर बोले। वाह वाह वाह, एक के बाद एक 6 सुपर हिट फिल्में दी हमने इंडस्ट्री को।
बोलती बंद कर दी है सर। जी बिल्कुल बंद कर दी गुल्लू जी, ये तो कुछ भी नहीं है, आप हमारी आने वाली फिल्म का म्यूजिक सुनिए। गुल्लू जी कल एक गाना रिकॉर्ड किया सजीला, सुपरहिट सुपर। सर कौन सी फिल्म के लिए किया आपने? हाँ अमर जी और कौशिक जी, ये एक उभरते हुए कलाकार हैं, गायक भी है, राहुल कुमार जी। सर रोहित कुमार, सर रोहित कुमार। हाँ हाँ रोहित कुमार। आप गाते हैं? यस सर। अच्छा अच्छा, किस किस के लिए गाया आपने? सर अभी तक तो कुछ खास नहीं किया है, बस आपके साथ काम करना है सर। हाँ हाँ जरूर, थैंक यू सर। अमर जी मेरे का सर तेरा नहीं बोला। हाँ रुको सर। हाँ कहिए सर। दरअसल मैं सिर्फ गायक नहीं हूँ सर, मैंने कुछ गाने भी बनाए हैं। आई एम ऑल्सो कम्पोजर। क्या है आप? कम्पोजर। गुल्लू जी इस देश में कोई भी कम्पोजर बन जाता है। तुम्हें काम करो, मंडे मुझे फोन कर देना, अगर तुम्हारी आवाज में कुछ दम है तो लाइव बना दूंगा तुम्हारी। थैंक यू सर। सर मैं मंडे फोन करके आता हूँ। और क्या चाहिए जी? जय माता दी। हाँ जी हाँ जी। रोहित तुम मेरा कैसेट क्यों नहीं दे रहे? मैं अभी नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि इतनी मुश्किल से तो मेरी आवाज सुनने के लिए तैयार हो है। तो क्या, अब मैं कैसे कह सकता कि मेरी पत्नी की आवाज भी सुनिए? उनको लगेगा मैं सारा खानदान उन पे ठूस रहा हूँ। तो तुम्हें ये लगता कि मैं अपने आप को तुम पर ठूस रही हूँ? मैंने ऐसा नहीं कहा था। तुम्हारा मतलब तो यही था? देखो वैसे तुम बहुत थक गया हूँ और मुझे झगड़ा नहीं करना है। तो क्या मैं झगड़ा करना चाह रही हूँ? सोनू सो रहा है। मैंने तुमसे सिर्फ इतना कहा था कि मेरे गाने के कैसेट अमर कौशिक को दे दो, लेकिन ये बहुत मुश्किल बात थी, है ना? देखो सबसे पहले तो वो कैसेट तुमने मुझे नहीं सुनाया, पता नहीं तुमने उसमें क्या रिकॉर्ड किया, कैसे रिकॉर्ड किया है, वो सुनने लायक है भी या नहीं? इतनी मुश्किल से तो वो मुझे सुनने के लिए तैयार हुआ है, अब तुम्हारा कैसेट उन्हें थमा के मैं अपना मौका भी गवा बैठूं? कल तक तो तुम्हें मेरी आवाज बहुत पसंद थी और आज वो किसी को सुनाने लायक भी नहीं है। देखो मेरा मतलब वो नहीं था, गाना गाने के लिए रोज रियाज करना पड़ता है। रियाज एक और बहाना। आज मैं तुम्हें अच्छी तरह समझ गई हूँ रोहित, तुम हमेशा अपने लिए सोचते हो, अपने लिए कोशिश करते हो और मेरे लिए सिर्फ बहाने। देखो चिल्लाओ मत प्लीज। तुम साफ साफ ये क्यों नहीं कहते कि मुझे गाने की तमीज नहीं है? तुम मुझे यही कहना चाहते हो ना? बोलो अब ये भी कह दो कि मुझे सिंगर बनने के सपने छोड़ देने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा रोहित, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी और तुम मेरी हिम्मत नहीं तोड़ सकते, समझे? मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि रोहित ऐसा क्यों कर रहा है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत बात है। किरण हमारा होमवर्क खत्म हो गया, हम खेलने जाएं? हाँ लेकिन जल्दी वापस आ जाओ। जी अच्छा। तुम्हें भी तो अपनी जिंदगी बनाने का हक है, तुम रोहित से साफ साफ बात क्यों नहीं करती? के तुम यहाँ क्या कर रही? कब से ढूंढ रहा हूँ मैं तुम्हें। मुझे फरीदा से कुछ काम था। क्या काम था? सोनू वहाँ मुझे परेशान कर रहा है, उसे कौन संभालेगा? मुझे रिहर्सल पे जाना है, मेरे कपड़े कहाँ हैं, मेरा नाश्ता कौन बनाएगा? मैं आ रही हूँ। और मेरी गाने की फाइल कहाँ है? सुबह से ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रही। इसे मैं रियाज के लिए नीचे ले आई थी। तुम एक काम करो, तुम यहाँ दिन भर बैठ के रियाज करो। मैंने कहा नहीं, तुम यहाँ दिन भर बैठ के रियाज करना, मैं खाना होटल में खा लूंगा और घर का काम भी मैं कर लूंगा। मैंने कब ना कहा रोहित? ये क्या किया तुमने? I'm sorry, मम्मी। सारे कपड़े खराब कर दिए। I'm sorry, मम्मी। तो घर से कपड़े धो रही हूँ, यहाँ पर कितनी बार मना किया, नहीं खेला नहीं खेला नहीं खेला, कितनी बार मना किया, मेरी बात क्यों नहीं सुनी? क्या हुआ किरण, क्यों मारी उसको, क्या किया है इसने? मेरी बात नहीं सुनता, ये सारे सारे कपड़े खराब कर दिए मैंने। दिन भर काम करते करते थक गई हूँ मैं, पागल बना दिया है मुझे। किरण किरण, हम दोनों का एक ही सपना है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? हमारी एक ही मंजिल है, हम दोनों वहां साथ पहुंचेंगे। Thank you.
सॉरी सोनू, आई एम सॉरी। किरण, किरण, ए किरण, हरी अप, जल्दी दरवाजा खोलो, जल्दी, कम ऑन, जल्दी जल्दी। ओके स्वीटहार्ट, आज की तारीख याद रखना, ये वो दिन है जो हम हर साल मनाएंगे, जिस दिन का मुझे सालों से इंतजार था, जिस दिन मेरे करियर की शुरुआत हुई है, आज वो दिन आ गया है। आज अमर कौशिक मेरा गाना सुनते ही दंग रह गए। पवन चोपड़ा की नई फिल्म का पहला गाना मैं गा रहा हूँ। रोहित, मैं जा रही हूँ। बल्कि जाते जाते कौशिक के मुंह से यह भी निकल गया कि अगर ये गाना अच्छा रिकॉर्ड होता है तो सारे गाने मैं गाऊंगा, कल रिकॉर्डिंग है, चलोगी? रोहित, मैंने कहा मैं जा रही हूँ। कहाँ? ये घर की चाबियां हैं, ये राशन कार्ड और ये इस महीने के बिल, मैंने सारे चुकता कर दिए हैं, बाकी के पैसे तुम्हारे अलमारी के अंदर है, और ये बिजली का बिल है, इस हफ्ते के अंदर भर देना। मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। एक मिनट, कि तुम क्या बात कर रही हो? आखिर हुआ क्या? मुझसे कोई भूल हुई क्या? तुमसे कोई भूल नहीं हुई। तो फिर क्या बात है? बोलो ना। छोड़ो मुझे। ओके ओके, मुझे जाने दो। लेकिन तुम क्यों जा रही हो, कुछ बताओ तो सही। तुम समझते क्यों नहीं? कोई एक बात नहीं है रोहित, शायद मेरी गलती है, मुझे कुछ हो गया। अरे क्या हो गया तुम्हें? मुझे नहीं मालूम। अरे कुछ भी तो नहीं हुआ है, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। प्लीज प्लीज लेट मी गो, मुझे अपनी जिंदगी बनानी है। किरण, यही तो है तुम्हारी जिंदगी। नहीं, ये तुम्हारी जिंदगी है, सिर्फ तुम्हारी, और मुझे अपने आप को संभालना है रोहित, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी। तो तुम ये शादी तोड़ना चाहती हो? और सोनू, तुम उसे कैसे छोड़ के जा सकती हो? आई लव हिम, वो मेरे बगैर ही ठीक है। ओ गॉड, मुझे यकीन नहीं आ रहा है। किरण, 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 तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? आज जब मुझे अपनी जिंदगी का सबसे सुनहरा मौका मिला है, तुम मुझे छोड़ के जा रही हो? देखो किरण, किरण, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, तुम साथ हो तो मैं आसमान की बुलंदी को छू सकता हूँ। तुमने तो कहा था कि हम दोनों वहां साथ पहुंचेंगे। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें सिंगर बनने से रोकने की कोशिश कर रहा हूँ? देखो किरण, तुम सिंगर बनने की तमन्ना रखती होगी, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी झूठी तारीफ करूं तो वो मैं नहीं कर सकता। लुक, आई एम सॉरी। मैं उस समय पता नहीं क्या क्या बोल गया। मैं मानता हूं कि गलतियां दोनों तरफ से हुई, लेकिन इस पे कोई घर नहीं छोड़ देता है ना। ओके, देखो हम अपनी गलतियां सुधार सकते हैं, चलो अंदर आ, कम ऑन। तुम अभी अपने से पिटाई रही हो, बिल्कुल अपने माँ बाप की तरह। मेरे माँ बाप को बीच में मत लाओ। क्यों नहीं, जो खामियां उनमें वो तुम में भी है। तुम उनको ताने देना बंद करोगे या नहीं? नहीं, खुद तो जिंदगी में कुछ खास कर नहीं पाए और दूसरों की कामयाबी से जलते हैं। तो तुम्हें यह लगता है कि मैं तुम्हारी कामयाबी से जलती हूं? हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगी, और अगर मुझमें कुछ कमी है तो जिंदगी में तुम्हारे ताने सुनने के बजाय मैं अकेले रहकर उनका सामना करूंगी। रोहित, किरण कहाँ चली गई? ये बात तो मुझे तुमसे पूछनी चाहिए। मुझसे क्यों? क्योंकि आधे से ज्यादा वक्त वो तुम्हारे साथ गुजारती थी, और जाहिर है इस बीच तुम दोनों ने मिलकर मेरी कमजोरियों के बारे में काफी बातचीत की होगी। अब वो सब बातें भूल जाओ, किरण घर छोड़ के चली गई है, हमें कुछ करना चाहिए। हमें नहीं, मुझे, जो कुछ करना मैं खुद कर लूंगा। रोहित, कम से कम आप तो समझने की कोशिश करो, किरण बहुत दुखी है, और बात यह है कि वो बात यह है कि पिछले 6 सालों से मैं पागलों की तरह कोशिश कर रहा हूं कि कोई म्यूजिक कंपनी, कोई म्यूजिक डायरेक्टर मुझे एक मौका दे, ताकि मेरा करियर शुरू हो, मेरी जिंदगी शुरू हो। आज 6 साल के बाद अमर कौशिक मुझसे कहते हैं कि मैं उनका अगला गाना गा रहा हूं। मैं फौरन टैक्सी पकड़ता हूं, घर आता हूं, ताकि मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी उसके साथ बांट सकूं, और वो मुझसे कहते हैं कि वो घर छोड़कर जा रही है। क्या मतलब है इसका? यही कि वो तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी नहीं बांट सकी, तुम्हारी जिंदगी रोहित। वाह, तुम्हारा जवाब नहीं,
फरीदा तुम अपने शोहर से खुश नहीं थी और वो तुम्हें छोड़ के चले गए, इसका मतलब ये नहीं कि हर पत्नी अपने पति से खुश नहीं है। मैं यहाँ अपने शोहर के बारे में बात करने नहीं आई हूँ, मुझे किरण की फिक्र है। तो ये फिक्र आप अपने घर में जाके भी कर सकती हैं। जाती हूँ, मगर इतना जरूर कह के जाऊंगी कि तुम किरण को कभी समझ ही नहीं पाए। वो कोई मामूली लड़की नहीं है जो घर में फर्नीचर बन के पड़ी रहे। उसके भी कुछ सपने थे। एक लड़की का इस तरह घर छोड़ के जाना बड़ी हिम्मत की बात होती है रोहित। हाँ, और अपने बच्चे को बेसहारा छोड़ के चले जाना और भी हिम्मत की बात होती है ना? क्यों सो रहे हैं? क्या? और मम्मी कहाँ हैं? Oh God, shit. बताइए ना मम्मी कहाँ हैं? क्या टाइम क्या हो रहा है? छोटा काटा 7 पे और बड़ा काटा 3 पे। Oh, लेट हो जाऊँगा मैं। रिकॉर्डिंग पे जाना है मुझे। बताइए ना डैडी, बताइए ना मम्मी कहाँ हैं? एक मिनट, एक मिनट। और मम्मी चाची कहाँ गई? कौन सी चाची? वो पूना वाली चाची। पूना में तो रत्ना मौसी रहती हैं। हाँ वही, रत्ना मौसी क्या गई? हाँ, लेकिन वो वापस कब आएंगी? बहुत जल्दी आ जाएंगी वो, बस 3-4 दिन में। चलो अब मुझे तैयार होना। लेकिन मुझे स्कूल के लिए कौन तैयार करेगा? मैं तैयार करूँगा बेटा। और मेरा स्कूल बैग कौन भरेगा? मैं भरूंगा, मैं। लेकिन मुझे स्कूल कौन लेकर जाएगा? अरे बाबा मैं ले जाऊंगा। और मेरा नाश्ता? नाश्ते में तुम क्या खाते? 2 अंडे का ऑमलेट, 2 मक्खन और बॉर्नविटा। आहा, वेरी गुड। ये थोड़ी कोथमीर और अब प्याज। तुमने मेरे हाथ का ऑमलेट कभी खाया? नहीं। आज खा के देखना, एकदम झूमते रह जाओगे। अरे कितनी मोटी मोटी काट रहे हैं आप। अरे ना मोटी है ना छोटी है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। मजा आ रहा है ना? यस, बहुत मजा आ रहा है। अब ये देखो, एक हाथ सर्कस, एक हाथ और 2 अंडे। अब ये देखना कि मैं एक हाथ से 2 अंडे कैसे तोड़ता हूँ। रेडी? ये अंडा कुछ ज्यादा कमजोर निकला। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये जगह बिल्कुल साफ है, बिल्कुल साफ है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं ये नहीं खाने वाला। देखिए सारे छिलके अंदर चले गए। अरे एक दो छिलकों से क्या होता है, अंडा और कुरकुरा हो जाएगा। ये प्याज, अरे ऐसे नहीं। फिर कैसे? सबसे पहले मम्मी सारी चीजों को एक प्याले में लेकर फेंटती थी। अरे मम्मी को क्या मालूम प्याले में फेंटो या फ्राइंग पैन में, ऑमलेट ऑमलेट होता है। बस तुम खा के देखना, इसके बाद मैं तुम्हें स्कूल छोड़ने वाला हूँ। और फिर आज आज मेरे पहले फिल्म के गाने की रिकॉर्डिंग है। आज के बाद तुम्हारे डैडी बहुत मशहूर सिंगर बनने वाले हैं। डैडी डैडी क्या हुआ? ओह शिट, ओह नो। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओह 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 शिट, ओह आउच, ओह डैम। आपको तो कुछ भी नहीं आता। कम ऑन फास्ट। चलो गो फास्ट, गो जा जल्दी। अरे जाओ, मुझे लेने कौन आएगा? मैं आऊंगा। आप कहाँ पे खड़े रहेंगे? मैं इस पेड़ के नीचे ठहरूंगा। ओके चलो अब जाओ। अगर आप नहीं आए तो? जब मैं कह रहा हूँ मैं आऊंगा तो मैं आऊंगा। अगर देर हो गई तो? देर नहीं होगी, मैं टाइम पर आऊंगा। लेकिन अगर देर हो गई तो? अगर देर हो गई तो तुम इस पेड़ के पास रुकना, ओके, और मेरा इंतजार करना। चलो अब जाओ, जल्दी जाओ, कम ऑन। अरे सुनील, तुम्हारा स्कूल कितने बजे बंद होता है? पता नहीं। एक्सक्यूज मी जी, जूनियर स्कूल कितने बजे खत्म होता है? मैं उस बच्चे का डैडी हूँ। 2 बजे। थैंक यू सो मच।
सॉरी सर, मैं थोड़ा लेट हो गया। ये वक्त है आपके आने का, गाना रिकॉर्ड हुआ नहीं और आप स्टार बन गए। नहीं सर, मैं जरा ट्रैफिक में फंस गया था इसलिए वो। ठीक है ठीक है, आप अंदर बैठ के गाना याद कीजिए, तब तक ऑर्केस्ट्रा रिकॉर्ड करते हैं। बाबूलाल आज ने गाने के बोल दिए, आओ लाइव बना देते हैं तुम्हारी। नहीं नहीं, वो 16-12 में फिट हो जाएगा। ठीक है, ट्राई करते हैं। हाँ, वी आर रेडी प्रदीप जी। गौतम जी वेस्टर्न रिदम सुनाइए। साइलेंस साइलेंस। तुम अभी तक यहीं हो, गए नहीं? आज तुम्हारा होगा नहीं जी। बेस बढ़ाइए, थोड़ा बेस बढ़ाइए। तो फिर कब होगा? देखते हैं, 2-3 दिन के बाद फोन करते रहना, समझे? ओके। अरे बाबा, 30 मिनट तो लेट आया हूँ, उस पर इतना गुस्सा? आपने कहा था आप टाइम पे आएंगे। हाँ, लेकिन मुझे बहुत काम था, बिजी था मैं। अगर मुझे कोई उठा के ले जाता तो? लेकिन कोई उठा के ले तो नहीं गया ना। लेकिन अगर कोई उठा के ले जाता तो? अच्छा बाबा, आई एम सॉरी, 10 दफा कह चुका हूँ सॉरी, और जब कोई सॉरी कहे तो उसे माफ कर देना चाहिए। सॉरी का मतलब समझते तुम? अरे सुनील, सुनील सुनील, क्या कर रहे हो तुम? क्या हुआ? ये गाड़ी है ना, बैटरी से चलती है, इसमें हॉर्न भी है, हेडलाइट्स भी चलती हैं। तो अगर आप हमारे लिए ले लेंगे ना, तो हम आपको माफ कर देंगे। अच्छा, अगर मैं नहीं लूंगा तो मुझे कभी माफ नहीं करोगे? अगर मम्मी होती ना तो वो ले लेती। जब मम्मी आएंगे ना तब उनसे ले लेना। चलो अभी, कम ऑन कम ऑन। पाव किलो दाल और कुछ? और चाय का पैकेट, लाल या पीला? पीला। पीला नहीं, लाल। क्यों? क्योंकि मम्मी हमेशा लाल लेती थी। लाल दो। एक साबुन की बट्टी और एक कोकोनट ऑयल। मैं एक चॉकलेट ले लूं? ये लो, ऊपर ले जाओ। माफ करना रोहित जी, मगर मेरे सुनने में कुछ आया है, सच है क्या? मैंने सुना है कि आपकी पत्नी आपको छोड़कर, नहीं नहीं, ना आपका सोचा, देखो ना, ना छोटे बच्चे का, ना अपनी इज्जत का ख्याल। पैकेट दीजिए। हाँ, वैसे व्यवहार तो मेरे को भी उसका बिल्कुल पसंद नहीं था, जब देखो तब नाक पे गुस्सा लगा रहता था। आपसे किसी ने पूछा है कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं? नहीं नहीं, आपकी राय मैंने पूछी है? पूछी मैंने? मैं यहाँ सामान खरीदने आता हूँ, आपकी फजूल बकवास सुनने के लिए नहीं, समझे आप? समझ गया समझ गया। ये लो तुम्हारा सामान, ये माल का हो गया 300, पिछले महीने का 350, टोटल 650। अभी उधार देने का बंद किया है। कौन साला आपसे उधार मांग रहा है? ये लीजिए आपके पैसे, ये 550 है और 100 रुपये मैं भिजवा रहा हूँ आपके लिए, उधार देने आए। जब कैमरे का फ्लैश इंतजार कराए, वॉकमैन की आवाज लड़खड़ाए और चलता खिलौना रुक जाए, तब जी, टेक। थैंक यू शर्मा जी, आपने मेरी दोस्त को कोरस में गाने का चांस दिया। नो प्रॉब्लम, अगर कभी कोई लीड पार्ट हुआ तो वो भी आराम से गा लेगी। हाँ जरूर जरूर। मनोज जी, ओह, ये तो तुम्हारे नाम पे? हाँ हाँ, मेरे नाम पे। जल्दी पढ़िए, देखिए मम्मी कब आ रही है। जोर से पढ़िए। हाँ, मेरे प्यारे सुनील, तुम सोचते होगे कि अचानक मम्मी कहाँ चली गई है ना। मैं बताती हूँ, कभी कभी डैडी चले जाते हैं और मम्मी को बच्चों को संभालना पड़ता है, लेकिन कभी कभी मम्मी चले जाती हैं और फिर डैडी बच्चों को संभालते हैं। मम्मी को भी दुनिया में कुछ बनना है सुनील, और इसीलिए मम्मी को घर से दूर जाना पड़ा। शायद मम्मी अब
तुम्हारे साथ घर में नहीं रह सके लेकिन तुम हमेशा मम्मी के दिल में रहोगे। ये मत सोचना कि मम्मी तुम्हें भूल जाएंगी, मैं हमेशा तुम्हारी मम्मी रहूंगी और हमेशा तुम्हें प्यार करूंगी। अपना ख्याल रखना और रोज स्कूल से आने। सुनील, सुनील, चेहरा गुलाबी नजरें शराबी जुल्फों की तौबा तौबा ये समां। अब क्या करें कैसे जिए ऐ मेरे दिल जाए तो कहां। बहुत अच्छा वदना जी, वेरी गुड। और रोहित कॉन्सेंट्रेट कॉन्सेंट्रेट। यस सर। प्रोजेक्शन चाहिए मुझे, प्रोजेक्शन। यस सर। तभी भी आवाज में मत गाओ, आवाज खोलो। चेहरा गुलाबी सर, सर सर ये मेरी फाइल है सर, मेरे गानों की फाइल। डरो नहीं, हम तुम्हारी धुनें चुराएंगे नहीं। नहीं नहीं सर, मेरा मतलब वो नहीं था। आई वाज जस्ट टेक करते हैं, लेट्स टेक। हाँ जी, विदाउट म्यूजिक एक रिहर्सल हो जाए। चेहरा गुलाबी नजरें शराबी जुल्फों की तौबा। बकवास बकवास, आवाज रखिए आवाज। गला गला, खाना नहीं खाया है क्या? चेहरा गुलाबी नजरें शराबी चेहरा गुलाबी। गाइए। यस सर। चेहरा गुलाबी चेहरा गुलाबी चेहरा गुलाबी। कट 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 कट। देखिए आप म्यूजिक डायरेक्टर बनने का ख्वाब छोड़ दीजिए, आप अपनी गायकी पर कंसंट्रेट कीजिए। इसका बैंड बजाता हूँ, तुम देखो। हाँ, कंपोजर है। चेहरा गुलाबी 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 चेहरा गुलाबी चेहरा गुलाबी। चलिए। यस सर। चेहरा गुलाबी। बस बस, आप छोड़ दीजिए। वंदना जी, आप प्लीज जरा इनको इनकी पहली लाइन सुना दीजिए। चेहरा गुलाबी नजरे शराबी जुल्फों की तौबा तौबा ये समा। बहुत अच्छे वंदना जी, बहुत अच्छे। हाँ, अब हुआ आपको सुर का अंदाज? सर यही तो मैं गा रहा हूँ सर। अरे तो ठीक से गाइए ना, आप ठीक से गाइए। जी सर। चेहरा गुलाबी नजरे शराबी। क्या गा रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? सारा सुर गलत लग रहा है आपका, क्या कर रहे हैं आप? सर मेरी लाइन पूरी तो नहीं। शट अप। आप बीच में ही काट देते हैं, आपको समझ में कैसे आएगा कि मैं क्या गा रहा हूँ? शट अप। सुनिए तो सही, मैं क्या गा रहा हूँ? शट अप ब्लडी फूल। क्या समझते हैं आप अपने आप को? अपनी औकात में रहिए वरना मैं यहाँ से नहीं आपको इंडस्ट्री से आउट कर दूंगा। अरे एक नाइट क्लब में गाने वाला हमको सिखाएगा, अमर कौशिक को सिखाएगा कि संगीत क्या होता है? जी हाँ। क्या कहा, क्या कहा आपने? जी हाँ, मैं आपको संगीत सिखाऊंगा अगर आप सुनने की हिम्मत है तो। यह ना आपका गाना। चेहरा गुलाबी नजरे शराबी जुल्फों की तौबा। यह ना आपका गाना। अब यह सुनिए, आप लोग मेरे साथ हो जाइए। चेहरा गुलाबी नजरे शराबी जुल्फों की तौबा तौबा ये समा। अब क्या करें कैसे जिए ऐ मेरे दिल जाए तो जाए कहां। चेहरा गुलाबी। Get out! क्या कर रहे हो सुनील? चलो चुपचाप खाना खाओ, उठाओ चमचा, चलो। छी, ये क्या बकवास है? बैंगन की भाजी है और बहुत अच्छी है, चलो खाओ। मुझे बैंगन की भाजी अच्छी ही लगती है। बिल्कुल अच्छी लगती है, फरीद चाची ने तुम्हारे लिए खास बनाई है और तुमने पहले भी खाई है। छी, ये क्या काला काला है? प्याज है और कुछ नहीं, चलो। प्याज से मेरे पेट में दर्द होता है। बिल्कुल दर्द नहीं होता है। ब्रेड तोड़ो, चलो निवाला बनाओ। गंदा है। खाने को गंदा नहीं कहते। ए, सुनील प्लेट में मत थूको, बदतमीज। चलो खाओ, अभी प्याज निकाल दिया मैंने, कम ऑन। डैडी
आप जो चॉकलेट आइसक्रीम लाए ना, वो जो फ्रिज में रखी हुई है। हाँ मैं जानता हूँ मैं आइसक्रीम लाया हूँ और वो फ्रिज में रखी है, लेकिन वो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। पहले तुम अपना खाना खत्म करो, दाल खत्म करो। सुनील, सुनील कहाँ जा रहे हो? सुनील देखो फ्रिज मत खोलना, सुनील देखो आइसक्रीम अंदर से मत निकालना। अरे सुनते नहीं हो? सुनील मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं तुमसे कह रहा हूँ सुनील, अगर वो आइसक्रीम तुमने निकाली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुनील अगर वो आइसक्रीम तुमने खाई तो बहुत बुरा होगा। सुनील अगर वो आइसक्रीम तुमने खाई तो बहुत बुरा होगा। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? सुनील चॉकलेट छोड़ो, उठो उठो, छोड़ो कुर्सी, तमीज बंद करो, चिल्लाना। मम्मी मुझे मम्मी के पास जाना है। बहुत आगे बदतमीजी, अब ना खाना मेरे ना आइसक्रीम ना कुछ, सो जा ऐसी भूखे। I hate you, मैं कभी बात नहीं करूंगा। I don't care, मैं भी तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। Nonsense. सीगा पानी दे गड़े दायना, बारनी पै गई पिंड दे मुंडे नू वाज मारनी, तीर नैना दा नैना ते सुनो। I'm sorry. I'm also sorry. क्या अभी मुझे छोड़ के चले जाएंगे? नहीं सुनो, कभी नहीं। लेकिन मम्मी तो मुझे छोड़ के चली गई, मैं बुरा लड़का था ना इसीलिए। क्या तुम्हें ऐसा लगता है? नहीं सुनो, मम्मी तुमसे बहुत प्यार करती हैं, वो तुम्हारे वजह से नहीं गई। मम्मी इसलिए गई क्योंकि मैं उनको समझ नहीं पाया। मैं चाहता था कि वो वही करें जो और मम्मीज करती हैं, घर की देखभाल, घर संभालना, लेकिन वो कुछ और करना चाहती थी। उन्होंने मुझे बहुत समझाने की कोशिश भी की लेकिन मैं मसरूफ था अपने आप में, अपनी जिंदगी में। और पता है फिर भी वो यहाँ इतने दिन तक क्यों रुकी? क्योंकि वो तुमसे प्यार करती थी। सोनो वो तुम्हारे वजह से नहीं गई, वो मेरे वजह से गई। चलो अब सो जाओ, कल से हम दोनों एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, मैं और तो, ओके? डैडी, हाँ? I love you. I love you, Sonu. I love you. हम तुम संग है तो फिर क्या गम, तू मेरा दिल तू मेरी जान। Oh, I love you, Daddy. तू मासूम तू शैतान। But you love me, Daddy. तू मेरा दिल तू मेरी जान। I'm not afraid to die.
से दिल जिगर में हूँ सबका, कहने को है यूं तो हजार कोई मगर तुझसा अकेले हम अकेले तुम, जो हम तुम संग है तो फिर क्या गम। तू मेरा दिल तू मेरी जान, oh, I love you, daddy। तू मासूम तू शैतान, but you love me, daddy। अकेले तुम, जो हम तुम संग है तो फिर क्या गम। तू मेरा दिल तू मेरी जान, oh, I love you, daddy। तू मासूम तू शैतान, but you love me, daddy। तू मेरा दिल मेरी जान, oh, I love you, daddy। तू मासूम तू शैतान, but you love me, daddy। But you love me, daddy। Yeah! नहीं नहीं मैं थक गया, तुम खेलो। रोहित तुम बिल्कुल बदल गए हो। काश किरण तुम ऐसा देख सकती। किरण की बात बंद करो। ठीक है, लेकिन सच बताओ तुम्हें उसकी याद नहीं आती? बिल्कुल नहीं। डैडी डैडी ये देखिए ये। ऐसा मत करो सुनील। नहीं पप्पू मेरी बारी है, रुको पप्पू मेरी बारी। फरीदा ये बताओ तुम्हें अपने शौहर की याद नहीं आती? उनकी तो बात ही कुछ और थी, वो साहब तो इश्क विश करने लगे थे। अच्छा ये सब मुझे नहीं मालूम था, किससे? थी कोई लैला उनकी ऑफिस में, और मजनू साहब तो उसे घर भी लाना चाहते थे। क्या बात कर रही है? दादी दादी ये देखिए मैं खड़ा खड़ा नीचे आऊंगा। नहीं सोनू क्या कर रहे हो तुम, चलो नीचे उतरो। मैं उतारती हूँ। और फिर क्या हुआ? बस मैंने उनसे कह दिया कि आपको जो करना है कीजिए, लेकिन ये घर मेरा और मेरे बच्चों का है। डैडी संभाल के। सोनू क्या हो गया? सोनू क्या हो गया? इसको हॉस्पिटल ले जाओ जल्दी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी,
नए रंग में लेकर आई ताजी सुगंध सुहानी। She's good. She's really good. Thank you. Excuse me, madam. नमस्ते, मेरा नाम रविंदर कपूर है। मैं आरती फिल्म में चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ। अच्छा, क्या है कि मैं यहाँ साउंड ट्रांसफर करने आया था। ऑल ऑफ सडन मैंने आपकी सहेली को देखा, शी इज वेरी गुड। हमारे डायरेक्टर साहब एक इम्पोर्टेंट सीन पिक्चराइज करने जा रहे हैं, उसमें स्मार्ट लड़कियों की जरूरत थी। आई मीन हीरोइन की सहेलियां हैं। यू मीन एक्स्ट्रास? नहीं नहीं, एक्स्ट्रा नहीं, इट्स अ स्मॉल कैरेक्टर। आप जानती नहीं कपूर साहब को, कपूर साहब इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट द कैरेक्टर्स। यू मीन परेश कपूर? जी हाँ, वही परेश कपूर। पिछले साल आपने उनकी फिल्म देखी होगी, आधा सच आधा झूठ। हाँ। सुपर बम्पर हिट थी, आज तक रॉयल्टी आ रही है जी। कितने दिन का काम होगा? जी काम तो एक ही दिन का है, मगर वो पैसे कितने मिलेंगे? अब पैसे 2000 और 100 रुपया कन्वेंस भी दिला दूंगा, प्लीज। ठीक है, मैं उससे बात करके देखूं। हाँ जी, कोशिश कीजिए, मैं यहाँ बैठा हूँ। कैमरा 19x3 टेक 1 एक्शन। मैं संजू को छोड़ दिया, कहता है मैं खुद गर्ज हूँ। उसको बुखार था और मैं पिक्चर क्यों देखने चली गई? अब सारी शाम उसके पास बैठकर मैं बोर तो नहीं हो सकती थी ना? मैंने कुछ गलत किया? बोलो अंजलि, मैंने कुछ गलत किया? करेक्ट। तुम्हारी लाइन थी क्या? आपको अपने डायलॉग याद नहीं है? ये डायलॉग बोल पाएगी? सर ये जरूर बोल लेगी। सर आपको सिंपल और इनोसेंट चाहिए थी ना, ये जरूर बोलेगी डायलॉग सर। मैंने कहा था ना मुझे एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती। डोंट वरी, यू डूइंग जस्ट फाइन। बस अपनी लाइंस याद कर ले। 19x3 टेक 4 एक्शन। बोलो अंजलि, मैंने क्या गलत किया? नहीं दीपा, तुमने ये ठीक नहीं किया। याद है जब तुम बीमार थी, उसे न खाने का होश था न पीने का, पागलों की तरह उसे तुम्हारी देखभाल की, और तुम एक शाम भी उसका साथ नहीं दे सकती? उसे तुम बोर होना कहती हो? सच तो यह है दीपा कि तुमने संजू को कभी समझा ही नहीं। वो तुमसे बहुत प्यार करता है, बहुत। Oh my God, this is too much. ये कुछ भी बके जा रही है। Have you gone mad? Cut it. I'm sorry sir. मैंने तो पहले ही कहा था कि मुझे एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती। वो तो मेरे फ्रेंड ने मुझसे कहा तो मैंने। दरअसल मैं एक सिंगर बनना चाहती हूँ। अच्छा? तो फिर गा के बताओ। जी? Yes, sing something. तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। सर आप मेरे गाने तो सुन लीजिए सर। एक बार हमने आपकी मदद की ही ना, अमर कौशिक जी से मिलवाया, वहां तो आपने हमारी नाकी कटवा दी। सर वो मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे और वो मुझसे। लो, अमर कौशिक जी बदतमीजी करेंगे। गुलबदन जी आपको मेरी। देखिए रोहित जी, हम तो मामूली म्यूजिक कंपनी वाले हैं, रिकॉर्ड छापते हैं, कैसेट छापते हैं, कोई फिल्म प्रोड्यूसर तो है नहीं। जय माता दी। मैं एक मिनट में। हाँ जी हाँ जी जरूर। रोजी, एक मिनट। मैं आपकी धुनें बिकवा सकता हूँ। वो क्या है, अमर कौशिक जी को नए नए धुनों की जरूरत पड़ती है। मैं आपको एक एक धुन पे 2000 रुपए दिलवा सकता हूँ। ये रहा मेरा कार्ड। यानी धुनें मेरी और नाम उनका। अरे आपको नाम से क्या करना है? नो थैंक यू। आप चाहते हैं मैं फिर आपको नौकरी दूं और आप मुझे फिर छोड़ के चले जाएं? सर आइंदा ऐसा नहीं होगा।
मैं माफी चाहता हूँ, मुझे एक मौका और दीजिए। कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना। प्यार के सपने मोहरत शॉट। ये किरण जी है ना? हाँ हाँ, वही है, रोहित कुमार का बीवी, फिल्म में हीरोइन बन गई। गाना वाना तो पहले से ही गाती थी, अब पब्लिक के लिए नाचना भी शुरू कर दिया। ये देखिए, ये देखिए मम्मी की पिक्चर, पता है ये पोस्टर आज ही लगाया है। डैडी मुझे मम्मी की पिक्चर देख ली है, अब मुझे लेके जाएंगे ना? बोलिए ना डैडी, अब मुझे लेके जाएंगे ना? डैडी डैडी बोलिए ना। हाउसफुल है, चलो घर चलो। नहीं नहीं, मुझे इधर ही रहना है, मुझे मम्मी की फिल्म देखना है। अभी ने कहा था कि मम्मी की फिल्म आप दिखाएंगे, अभी मुझे मम्मी की फिल्म देखना है। डैडी जल्दी आइए। अरे भाई अंदर कहाँ घुसे आ रहे हो, अंदर किसी को अलाव नहीं है। देखिए इस बच्चे को देखना था, इसकी मम्मी की पिक्चर कहाँ से आती है। मैनेजर से बात कर ली हमने। तो ये किरण जी का लड़का है? जी हाँ। ठीक है आप लोग यहाँ से देखिए। ये बताओ क्या कर सकते हो मेरे लिए? अरे तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आसमान से तारे तोड़ कर ला सकता हूँ, चांद सूरज को जमीन पे उतार सकता हूँ, जमीन आसमान एक कर सकता हूँ। अरे स्वीटहार्ट क्या हुआ? देखो जी सीधा साधा प्यार करना है तो करो, ये चांद सूरज तारे वाले तोड़ने की जरूरत नहीं है। तुम तुम्हारा सड़ा बेटा वापस अमेरिका ले जाओ, और साथ साथ में ये इंडिया का टेस्टी केक भी। किरण कुमार है, आपकी शादी हो चुकी है और आपका एक बेटा भी है। क्या ये आपसे किसने कह दिया?
बेहुदा सवाल मत कीजिए, बस बहुत हो गया, चलिए हटिए, चलो किरण, चलो चलो चलो। मिल सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं? वो सितारा देख रहा, झिलमिल चमकता और बहुत दूर। मम्मी अब उस तारे की तरह है जिसे सब देख सकते हैं, चाह सकते हैं, लेकिन पास कोई पहुंच नहीं सकता। घर चलते हैं। फिर ना मेरी मम्मी जंगल में जाती हैं, उधर ना उनको इतना मोटा आदमी मिलता है, फिर ना मेरी मम्मी उसको बहुत मारती हैं, बहुत मारती हैं। चलो सुनील ऊपर जाओ। डैडी प्लीज एक मिनट। एक फिर एक हीरो आता है और मेरे मम्मी के साथ गाना गाता है। मेरी मम्मी पता है बहुत खूबसूरत है। अच्छा? हाँ, तेरी मम्मी से भी ज्यादा। वो खूबसूरत तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा जिद्दी है। तू उसके पास ज्यादा क्यों नहीं? उसको मना, उसको ले आ। नहीं नहीं, अभी जाऊंगा तो ऐसे लगेगा बहुत बड़ी स्टार बन गई तुम। मैं छोड़ यार, वैसे भी वो मुझे छोड़ के गई थी, मैं उसे छोड़ के नहीं गया था। उसे आना है तो वो आएगी। यार तू भी बहुत जिद्दी है, बहुत जिद्दी है तू। ए थम्स अप फिनिश। मुलचंद, ए मुलचंद, क्या है? दो थम्स अप देना यार। बंद हो गया, बंद कर। अरे बंद हो गया तो खोल देना यार। तो रात भर तेरे लिए दुकान खुला रखूं क्या? है बहुत पीने का शौक है तो वो नुक्कड़ पे दुकान है, उधर से लेके आ। अरे तो तू जाके लेके आना, तेरे बाप का नौकर हूं ना। ए अरे छोड़ यार, साला अनपढ़ गंवार। क्या बोला? अनपढ़ गंवार? अनपढ़ गंवार बोला तू मेरे को? हाँ, मैं अनपढ़ हूँ, गंवार हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ मैं कौन हूँ। तेरे जैसा नहीं है जो घटिया सी होटल में गाना गाता है और अपने आप को किशोर कुमार समझता है। मुझे अनपढ़ बोलता है, अपने बेटे के सामने बैठ के दारू पीता है। अरे अपनी बीबी को तो संभाल नहीं पाया, ऊपर से मेरे पे शानपट्टी करता है। तेरी तो क्या बोला मेरी बीवी के बारे में? क्या बोला तू? साला छोड़ेगा नहीं, तेरा मुंह तो डालूंगा मैं। तू भी कमाल आदमी है, कैसे लोगों से मुंह लगता है, पागल कहीं का। चल ड्रिंक करते हैं। अरे नहीं यार, मूड ऑफ हो गया मेरा। सुनी चलो घर चलो। गुड नाइट। कमान कमान, हे क्या हो गया तुमको? हाँ कमान, यंकी डूडल वेंट टू टाउन। ए मैं तो गिर गया। चलो थोड़ी देर तेरी बैठते हैं। डैडी। हाँ? आप रम क्यों पीते हैं? तुम्हें क्या मालूम रम क्या होता है? मुझे सब पता है, रम यानी शराब। एक दिन एक आदमी शराब पी के हमारे स्कूल के गेट के ऊपर आया था। सारे बच्चे उसको छेड़ रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे और उसके ऊपर पत्थर भी मार रहे थे। मैं नहीं चाहता कि आपका कोई मजाक उड़ाए। तुम मुझे इतना प्यार करते हो, मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, दुनिया में सबसे ज्यादा। तो अगर आप हमें प्यार करते हो तो आप शराब पीना बंद कर दीजिए। ओके
आज से मैं शराब नहीं पीऊंगा, ओके? हे कम ऑन, स्माइल स्माइल डैडी आई लव यू। डैडी वो देवेन है ना मोटा हमारी क्लास में, सबको बुली करता है। अच्छा? तो कल ना उसने प्रकाश का लंच बॉक्स ले लिया, तो मैंने सीधा जाके टीचर से कंप्लेन किया। अरे टीचर को क्या कंप्लेन कर रहे हो, पेट में दो घूसे मारो ठीक हो जाएगा। क्या करोगे? पेट में दो घूसे मारूंगा। कम ऑन, गिव डैडी अ बिग हग। जा, मैं तुम्हें लेने आऊंगा, ओके? रोहित, मैं यहां से गुजर रही थी तो तुम दोनों को देखा। सोनू काफी खुश नजर आ रहा है। दरअसल कई बार मैंने सोचा कि मैं तुम्हें फोन कर लूं, लेकिन फिर सोचा शायद खुद आके मिलो तो ठीक रहेगा। कैसे हो? हाँ ठीक हूँ, कोई खास परेशानी नहीं। और तुम कैसी हो? उदास है? नहीं तो क्यों? नहीं ऐसे ही, आपको मम्मी की याद आ रही है। चलो सो जाओ, गुड नाइट। डैडी आई लव यू। आई लव यू टू। दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं, दिल हमको कभी समझाता है, हम दिल को कभी समझाते हैं। Mm-hmm.
इतना दिल ही दिल में पछताते हैं, दिल हमको कभी समझाता है, हम दिल को कभी समझाते हैं। पैसा मिल गया ना, मेरा पैसा कभी देगा? अरे जमशेद सर पैसा भी नहीं मिला है, अभी सर कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, पैसा भी बहुत जल्दी मिल जाएगा। इसी खुशी में आप सबको चाय बुला दीजिए। अच्छा क्या बोला? अरे मेरी तरफ से। ऐसा बोल रहे हैं, चले पंडित। आज मैं भी चाय पीऊंगा। ओ सुनील सुनील सुनील। तो दादी आप सबसे बड़ी म्यूजिक डायरेक्टर बनेंगे? वो तो हम बनेंगे, और सबसे पहले तुम जानते हो हम क्या करेंगे? क्या? तुम्हारी बर्थडे आ रही है ना, उसके लिए हम एक सरप्राइज गिफ्ट लाने वाले हैं। सच्ची? हाँ। वो हम कैसे बताएं? इट्स अ सरप्राइज। मुझे मालूम है, वो ही ना जो मैंने आपको उस दिन दिखाई थी। वेल, वो पीले रंग की है। आई लव यू माय बबली बू, आई लव यू। एक्सक्यूज मी, रोहित कुमार जी कहाँ रहते? मैं रोहित कुमार हूँ। किरण मैम साहब ने भेजा है। मम्मी की गाड़ी। ए पप्पू मुन्नी जल्दी आओ, ये देखो मेरी मम्मी की गाड़ी। क्या लिखा है? किरण का खत है। वो सोनू की सालगिरह वो अपने घर में मनाना चाहती है और हमें वहां बुलाया। तुम जाओगे ना?
तुम्हें जाना चाहिए रोहित। मीम साहब से कह दीजिए हम लोग आएंगे, लेकिन गाड़ी भेजने की जरूरत नहीं है। देखो सुनो, शैतानी मत करना और सबसे तमीज से बात करना, समझे? तुम सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ हाँ ओके। और कोई कुछ खाने के लिए दे तो एकदम से हाँ मत बोल देना, हाँ पहले ना बोलना और बाद में थैंक यू बोलना। किरण, सोनू आया। क्या? सोनू! मम्मी! हेलो किरण, हम लोग को आने में देर तो नहीं हो गई? नहीं कोई बात नहीं, असल में मुझे लग रहा था शायद तुम लोग नहीं आओगे। नहीं नहीं ऐसे कैसे। मैडम थैंक यू। किरण, केक केक केक। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सोनू, हैप्पी बर्थडे टू यू। परिचय नहीं कराया, मेरी पत्नी लाजवंती और ये मिसेस तोलाराम। नमस्ते। सॉरी, मैंने थोड़ी देर के लिए तुम्हें अकेला छोड़ दिया। सिर्फ थोड़ी देर के लिए ना? बच्चों के साथ मैं भी बच्चा बन जाती हूँ। वो तो तुम हमेशा से थी। नेवर, कभी नहीं। सोनू अभी भी चीटिंग कर रहा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। बहुत खूबसूरत लग रही हो। हाँ? Oh, really? Thank you. अरे किरण बेटी, जरा इधर तो आओ। Excuse me, मैं भी आई। किरण, तुम यहाँ और लोगों से भी मिलोगी? और भी मेहमान आए हुए हैं? या उसके साथ बेहुदा तमाशा देखने के लिए सबको बुलाया? पिताजी, अगर आप इस तरह की बातें करेंगे तो मैं पार्टी छोड़ के चली जाऊंगी। देखो, तुम्हें अपने स्टेटस के बारे में सोचना चाहिए। तुम एक स्टार हो, यहाँ रिपोर्टर्स आए हुए हैं। रिपोर्टर्स को बुलाया किसने है? मैं तो सिर्फ सोने का बर्थडे मनाना चाहती थी, आप लोगों ने फिल्म में तमाशा बना दिया है। देखो, तुम मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हेलो, तुम बस इस वक्त उससे दूर रहो, और भी मेहमान आए हुए। अरे राम दयाल जी, मुबारक हो, मुबारक हो। नाइस सीइंग यू। आपको भी मुबारक हो जी। थैंक यू। हेलो, एक्सक्यूज मी। क्या बात है, कोई प्रॉब्लम? नहीं कुछ नहीं। शायद मेरा यहाँ आना उनको पसंद नहीं आया। मुझे सिर्फ सोनू को भेजना चाहिए था। लेकिन क्यों? मैं चाहते थे कि तुम यहाँ आओ, मैं चाहते थे कि सोनू के सालगिरह हम सब साथ मिलकर मनाएं। कितने प्यार और मेहनत से मैंने सारा इंतजाम किया और ये लोग अभी सारा मूड खराब कर दिया मेरा। ओके। मम्मी, मम्मी बचाइए मुझे। सोनो, सोनो, देखो तुमसे ज्यादा मस्ती नहीं करने के लिए। सोनो, आओ जाओ। अरे देखिए ना, मैं आपकी वजह से। अच्छा हुआ, अब थोड़ी देर मम्मी के पास बैठो। मेरा बच्चा। अरे ये क्या हुआ? अरे मम्मी, मैं स्लाइड पे खेल रहा था और मैं वहाँ से गिर गया। पता है, बहुत खून आया, बहुत। इसमें टाके भी लगे? हाँ, 8 टाके लगे। लेकिन ये हुआ कैसे? दरअसल गलती मेरी थी, मैंने ध्यान नहीं दिया और ये भी मेरी बात नहीं सुन रहा था। भगवान का शुक्र है उसकी आंख बच गई, वरना मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। और मम्मा, मैं रोया भी नहीं,
अच्छा, यू आर ब्रेव बॉय। मम्मा चलिए ना, मुझे आपका घर देखना है। चलो तुम भी आओ। नहीं, तुम लोग जाओ। अच्छा। थैंक यू, फिर मिलते हैं। अच्छा जी। नमस्ते जी। नमस्कार। तो खाना वाना खाया? केक वेक सब? जी शुक्रिया, बस। जी नहीं, अभी मैं और खाऊंगा। तो बंगला देखा? जी हाँ, बहुत बड़ा है। यहाँ से लेकर उस बीच तक है पूरा। पीछे स्विमिंग पूल भी है। अच्छा, 10 लाख खर्चा आया। क्या बात, क्या बात। तो गाना बजाना वैसे ही चल रहा है होटल में? जी दरअसल। जय माता दी, जय माता दी। नमस्ते, नमस्कार। जय माता दी। बेटे का जन्मदिन मुबारक हो। भाई हम आपसे बहुत नाराज हैं, बहुत नाराज हैं जी हम इनसे। भाई सुनिए, ये भी कोई बात हुई? इतनी बड़ी फिल्म साइन की और हमें बताया तक नहीं। अजी आपके चर्चे तो सारी फिल्म इंडस्ट्री में है। वो धमाकेदार गाने बनाए आपने कि बस अमर कौशिक की भी छुट्टी कर दी। अरे भाई माना कि आप बहुत बड़े आदमी हो गए हैं, इस नाचीज को भी कभी कभी याद कर लिया कीजिए। अरे कोई बात नहीं जी, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, म्यूजिक राइट्स हमें ही मिलने चाहिए। हाँ, हाँ, मचा जरूर। देंगे जी दोनों मिलकर हम लोग। जरूर जरूर। भाई माता जी की बड़ी कृपा है आप पर। देखिए ना, आपकी फैमिली में हीरोइन भी है, म्यूजिक डायरेक्टर भी है जी, पैसे ही पैसा है जी। मैं तो कहता हूँ आप लोग फिल्म प्रोड्यूसर बन जाइए। अच्छा, मैं थोड़ा हाँ जी, हाँ जी, अभी आया। और जी कितनी फिल्में साइन की हैं आपने जी? बस अभी वो एक ही फिल्म साइन की है, देखते हैं। और मिल जाएंगी जी, और मिल जाएंगी, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा जी, सोच समझ के साइन कीजिएगा जी। अब बताइए क्या पियेंगे आप, विस्की या रम? नहीं, शराब तो मैंने बंद कर दी। वाह 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 वाह, माता जी की कृपा है। भाई कोके कोले देना, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। क्या बात है जी, हैं आजकल तो आप हमारी तरफ देखते ही नहीं है। अजी नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है जी, बल्कि हम तो आप ही की बातें कर रहे थे जी। भाई चढ़ता सितारा है उनके साथ, रोहित कुमार, सिंगर एंड कंपोजर, 2 in 1। रोहित रोहित, चीयर्स, मुबारक हो, मुबारक हो, आपको भी फिल्म मिल गई। थैंक यू। एक बात समझ में नहीं आती, ये फिल्म इनको मिल कैसे गई? शायद इसलिए क्योंकि आज भी इस इंडस्ट्री में ऐसे लोग हैं जो इंसान के काम को देखते हैं, उसके नाम को नहीं। अच्छा, मैं ये मानता हूँ कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। यहाँ बात कुछ अलग है, यहाँ एक आदमी के पीछे कामयाब औरत का हाथ है। क्या मतलब आपका? भाई जिसकी बीवी खूबसूरत हो, जवान हो, कामयाब हो, वो अपने पति के लिए इतना भी नहीं कर सकती? कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? अरे तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे सड़े हुए गाने सुनकर पवन मल्होत्रा ने तुमको ये फिल्म दी है? ये फिल्म हमारी थी, हम दोनों की, अमर कौशिक की। और तुम्हारी बीवी की वजह से ये फिल्म मिली है तुम्हें? यकीन नहीं आता? अरे सब जानते हैं। आइए तोलाराम जी, आइए आइए, आप इधर आइए। क्या बात है भाई? बताइए इन्हें, बताइए इन्हें ये फिल्म मिली कैसे? अमर जी छोड़िए ना, बताइए आप, बताइए इन्हें। देखिए इन्होंने बहुत ही अच्छे गाने बनाए हैं। भाड़ में गए गाने, इस फिल्म के लिए आपने हमको साइन किया था, हमको। हाँ भाई वो किया था, लेकिन लेकिन इनकी बीवी के कहने पर आपने हमें निकाल फेंका। कर ऐसी बात नहीं, उन्होंने मुझे सुना तुमने, मिस्टर रोहित कुमार 2 in 1। अरे भैया होता है, होता है, करना पड़ता है, इंडस्ट्री में सब चलता है। खूबसूरत बीवी हो तो उसका भी इस्तेमाल करते हैं लोग। सुनिए वो देखिए क्या हो रहा है, चलिए वहाँ। अरे क्या है, कोई मारता है, कोई निकालता है, क्या तुम लोगों का? नहीं सच्ची, पहले तुमको कुछ भी बनाना नहीं आता था, अंडा भी बनाना नहीं आता था। अच्छा, और अब तो थोड़ा थोड़ा सीख गए, आलू की भाजी बना लेते हैं। आलू की? हाँ, लेकिन कभी कभी हल्दी ज्यादा हो जाती है तो चलता है। अरे रोहित आओ। सुनील तुम नीचे जाओ। डैडी सिर्फ एक मिनट, मुझे मम्मी से कुछ। मैंने कहा तुम नीचे जाओ। क्या हो रोहित? नीचे मेरा इंतजार करना। क्या तुमने पवन मल्होत्रा से मेरे बारे में बात की थी कि अमर कौशिक को हटा के मुझे म्यूजिक डायरेक्टर लें?
ये तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तुमने बात की थी या नहीं? मेरी बात का जवाब दो किरण। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी मदद, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। तुम क्या समझती हो तुम्हारी सिफारिश के बगैर मैं कुछ बन नहीं पाऊंगा? ये बात नहीं है रोहित। या फिर तुम ये साबित करना चाहते हो कि आज तुम इतनी बड़ी स्टार बन गई हो कि तुम दूसरों की तकदीर बना सकती हो? मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा रोहित। मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मैं जानती हूँ तुम मुझसे अच्छा म्यूजिक दे सकते हो। यही बात मैं दुनिया को अकेले साबित करना चाह रहा था, लेकिन तुमने सब बिगाड़ दिया। अब सारी फिल्म यही कहेगी कि साला अपनी बीवी के सहारे कामयाब हुआ है, मेरी कामयाबी कभी मेरी नहीं मानी जाएगी। अब मैं ये फिल्म नहीं कर सकता रोहित। तुम पवन मल्होत्रा से कह देना कि मैं ये फिल्म हरगिज़ नहीं करूंगा। पागल मत बनो रोहित, पवन जी को तुम्हारा काम अच्छा लगा इसलिए उन्होंने तुम्हें साइन किया है। मैंने उनके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की, और अगर दो चार लोग बकवास कह भी दे तो फर्क क्या पड़ता है? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? अच्छा, जब चाह छोड़ दिया, जब चाह मदद करने आ गई। तुम मेरी मदद नहीं करना चाहती, तुम दुनिया को यह दिखाना चाहती हो कि तुम कितनी महान हो और मैं तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं, और मुझसे अलग रहकर भी तुम्हें मेरे बारे में कितनी फिक्र है। तुमने हमेशा मुझे बुरा साबित करने की कोशिश की है, हमेशा मुझे गलत समझा है। मुझे तुम्हें समझने की जरूरत ही क्या है? ना मैं तुम्हें समझना चाहता हूँ और ना मैं तुम्हें कभी मिलना चाहता हूँ, और आज के बाद तुम भी मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। ये सब यहाँ कैसे आया? डैडी ये देखिए मेरे बर्थडे प्रेजेंट्स, मम्मी ने भेजे। और ये देखिए मिलिट्री जीप, ये जब भी टकराती है ना अपने आप घूम जाती है। वाह डैडी ये देखिए रिमोट कंट्रोल कार। डैडी हम लोग मम्मी के घर पे क्यों नहीं जाके रह सकते? क्यों, तुम्हें ये घर पसंद नहीं? नहीं अच्छा है मगर। मगर क्या? मगर उनका घर इतना बड़ा है, इतना अच्छा है। उनके पास तो 3-3 टीवी हैं और हमारे पास तो एक भी नहीं। तो कल पार्टी में मम्मी ने तुमसे क्या कहा? कहा कि वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। और तुमने? मैंने कहा कि वो दुनिया की सबसे अच्छी मम्मी है। तो अब तुम मम्मी के साथ रहना चाहते हो? हाँ क्या कह रहा हूँ मैं तुमसे? आपको पता है वो जो बैटरी वाली गाड़ी है ना, वो मम्मी मेरे लिए लेने वाली है। वो गाड़ी तुमने उनसे मांगी? नहीं मैंने तो सिर्फ कहा कि मुझे वो गाड़ी बहुत अच्छी लगती है, तो उन्होंने कहा अच्छा मैं तुम्हारे लिए खरीद लूंगी। लेकिन तुमने उनसे क्यों मांगी? वो तो मैं लेने वाला था तुम्हारे लिए। आपने तो अभी तक ली भी नहीं। लेकिन मैं लाने वाला था तुम्हारी बर्थडे के लिए। मेरी बर्थडे तो चली भी गई। हाँ हाँ मुझे मालूम है, ठीक है वो गाड़ी मैं आज लाने वाला हूँ। प्रॉमिस? हाँ प्रॉमिस, समझे तुम, आज लाने वाला हूँ मैं तुम्हारे लिए। भाई साहब ये गाड़ी कितने की है? 5,000 रुपया। 5,000? ये तो बहुत ज्यादा है ये गाड़ी के लिए। एक ही दाम है 5,000 रुपया, लेना हो तो लो। 5,000 रुपया एडवांस? सर मुझे जरूरत है। यानी एक नहीं दो नहीं पूरे 5,000 की आपको जरूरत है? सुन रहे हैं गॉडमैन साहब? सर आप हर महीने 1,000 रुपए काट सकते हैं, 5 महीनों में एडवांस पूरा हो जाएगा। यानी क्या 5 महीने यहाँ ठहरेंगे? लगता है आपको किसी घटिया फिल्म में गाने का मौका मिल गया है और आप फिर खिसकना चाहते हैं। नहीं सर ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो सपने तो मैं कब के भूल चुका हूँ। अब मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, मेरा 6 साल का बेटा, कल उसकी सालगिरह थी और मैंने उसे एक तोहफा देने का वादा किया था। तोहफा 5,000 का? सुना मिस्टर गार्डमैन,
मैंने अपने बेटे को 58 का तोहफा नहीं दिया और ये साहब 5,000 का तोहफा दे रहे हैं। मिस्टर रोहित कुमार, आपने कहानी बहुत खूबसूरत बनाई है लेकिन मैं उसमें आने वाला नहीं। सर अब मेरी बात तो मेरा वक्त जाया मत कीजिए, चलिए अपना काम कीजिए। अरे आप काम कीजिए ना, कोई तमाशा थोड़ी हो रहा है। तो आप नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं। अरे अरे ये क्या कर रहे हो, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। अरे घर में रुको ना भाई, ये क्या बदतमीजी है। वेटर वेटर वेटर, देखो नहीं मेरे अकाउंट में लिख देना। अरे देखो भाग रहा फरीदा चाची। आपको पता है डैडी मेरे लिए बैटरी वाली गाड़ी लाने वाले हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा बहुत देर हो चुकी है, खाना खा लो। नहीं मैं अभी नहीं खाऊंगा, जब डैडी आएंगे मैं तभी खाऊंगा। वो पता नहीं कब आएंगे, मुझे पप्पू और मुनी का होमवर्क कराना है। चलो जल्दी खा लो। नहीं मैं अभी नहीं खाऊंगा। अच्छा मैं यहाँ रख के जा रही हूँ, जब भूख लगेगी तब खा लेना, ठीक है। आप वापस कब आए, मुझे तो पता ही नहीं चला। डैडी गाड़ी कहाँ है? तुमने अपना खाना क्यों नहीं खाया अभी तक? मैं तो आपके लिए वेट कर रहा था। तुम्हें इतनी देर तक जागना नहीं चाहिए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन डैडी मैं तो आपके लिए वेट कर रहा था कि जब आप आए तो हम दोनों साथ में खाना खाएंगे। I'm sorry. क्या हुआ डैडी? मैं हार गया बेटा, हार गया मैं। मत रोइए, प्लीज मत रोइए डैडी, प्लीज मत रोइए। मेरे बेटे ने मुझसे एक चीज मांगी और वो भी मैं दे नहीं पाया। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हार है। वो गाड़ी मुझे नहीं चाहिए डैडी, सच में मुझे गाड़ी नहीं चाहिए। नहीं सोनू, नहीं। ये देखो सोनू, मेरे पास थोड़े पैसे हैं लेकिन मैं और पैसे लाऊंगा, लेकिन वो गाड़ी मैं तुम्हारी लाऊंगा सोनू। आई लव यू सोनू, आई लव यू। आई लव यू टू डैडी। लेकिन आप शराब पीना प्लीज बंद कर दीजिए, प्लीज। मैं तुम्हारे लिए गाड़ी लाऊंगा सोनू, मैं तुम्हारे लिए गाड़ी लाऊंगा सोनू। सोनू आई लव यू सोनू, आई लव यू।
एक्सक्यूज मी। यस सर। मिस्टर पवन मल्होत्रा ने मुझे इधर बुलाया। आइए सर। रोहित मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया पवन जी का नाम लेके, वरना तुम नहीं आते। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। अब भी कुछ रह गया बात करने के लिए? रोहित प्लीज बैठ जाओ। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि उस दिन तुमने जो कुछ भी कहा, क्या वो तुम्हारा आखिरी फैसला है? क्यों? क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम मुझसे कभी मिलना नहीं चाहते? बिल्कुल। तो फिर मुझे मेरा बेटा चाहिए। क्या क्या कहा तुमने? मैं सोनू को अपने साथ रखना चाहती हूँ। सोनू तुम्हारे पास रहे? क्या बकवास कर रही हो तुम? ये तुमने सोच भी कैसे लिया? जब उसे तुम्हारी जरूरत थी तुम उसे छोड़ के चली गई। तुम जानते हो मैंने क्यों? 1.5 साल तक उसे मिलने की कोशिश भी नहीं की, कभी ये नहीं पूछा कि वो जिंदा भी है या नहीं, और अब तुम्हें सोनू चाहिए? देखो सोनू को मेरी जरूरत है, वो मेरे साथ खुश रहेगा। तो क्या वो मेरे साथ खुश नहीं है? एक मिनट, तुम कहना क्या चाह रही हो? क्या मैं उसे खुश नहीं रह सकता हूँ? मैंने ऐसा नहीं कहा। तुम क्या समझती हो कि क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है, एक बंगला है, 3 गाड़ियां हैं, तुम उसे ज्यादा खुशी दे सकती हो? रोहित प्लीज चिल्लाओ। क्यों नहीं चिल्लाऊं? आई डोंट केयर फॉर योर सोसाइटी। देखो मैं उसकी माँ हूँ और ये हक तुम मुझसे छीन नहीं सकती। और तुम भी मेरा हक छीन नहीं सकती हो। मैं उसका बाप हूँ और वो मेरे साथ ही रहेगा। मैं सोनू को पाने के लिए अदालत तक जाऊंगी। सॉरी डैडी, मैंने पियानो को हाथ लगाया। इस नोटिस के मुताबिक मिसेस किरण आपसे तलाक चाहती हैं, और वो ये भी चाहती हैं कि बच्चा उनके हवाले कर दिया जाए। मुझे सिर्फ अपना बेटा चाहिए। देखिए मिस्टर रोहित, इससे पहले कि ये केस मैं अपने हाथ में लूं, मैं आपको एक बात साफ कह देना चाहता हूं कि इस तरह के मुकदमे में ज्यादातर फैसला माँ के हक में जाता है। लेकिन पिछले 1.5-2 सालों से मैं उसकी देखभाल कर रहा हूँ, वो तो उसको छोड़ के चली गई थी। फिर भी मिसेस किरण माँ है, एक कामयाब औरत, और आपके पास तो नौकरी भी नहीं है। साहब क्या है? माने साहब ने फाइल भेजी है। इसमें साइन तो है नहीं, साइन करा के लाओ, और वो खतरे की फाइल भी लाओ। जी साहब। हाँ तो इसके अलावा वो कोर्ट कचहरी के खर्चे और मेरी फीस मिलाकर कुछ 50-60 हज़ार रुपये लग जाएंगे, चाहे आप केस जीतें या हारें। आपके पास इतना पैसा है? हाँ, आप केस तैयार कीजिए। ठीक है, आप अगले बुधवार को आ जाइए 10 बजे, हम केस के बारे में बात कर लेंगे। और हाँ, आप एडवांस में 20,000 रुपये ले आइएगा। ठीक है? हाँ। मैं इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स का 15,000 रुपया दे सकता हूँ। 15,000? किस हिसाब से? अरे सिर्फ पियानो का 20,000 मिलना चाहिए मुझे, जब मैंने लिया था 30,000 का था। सारे इंस्ट्रूमेंट्स का मुझे कम से कम 40,000 मिलना चाहिए। अरे साहब ये मेरा धंधा है, मुझे भी 2 पैसे कमाने हैं। चलिए कम से कम 25,000 तो दीजिए। अरे मैंने बोला ना साहब आपको, मैं 15,000 रुपये से ज्यादा नहीं दे सकता। ठीक है आप जाइए। अरे साहब आप तो नाराज हो गए। हमको बेचना नहीं है साहब, आप जाइए प्लीज। ठीक है साहब, आपका माल है, आपकी मर्जी। ठीक है, चलता हूँ साहब। नमस्कार। जाइए। वैसे टाइम खोटे क्या, पता नहीं क्यों बुला लिया मुझे, बेकार में। तू पागल हो गया? तेरे इंस्ट्रूमेंट्स की कदर ये कबाड़ी लोग करेंगे? खा मखा परेशान हो रहा है, तुझे पैसों की जरूरत है ना, तू मेरा फर्नीचर बेच दे। नहीं कन्हैया जी, आपने वैसे ही मेरे लिए बहुत कुछ किया हुआ है, मैं अपने गाने बेच दूंगा। गाने बेच देगा? किसको? अमर कौशिक को। तू तो सचमुच पागल हो गया। वो मुझे हर गाने का 1,000 रुपये देने को तैयार है। और नाम किसका होगा? उनका। नहीं रोहित, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सारी मेहनत तुम्हारी है, तुम्हारे सारे सपने, सारे अरमान,
ये तुम किसी और के नाम से कैसे कर सकते हो? तुम्हारे गाने बहुत अच्छे हैं रोहित, और उसकी शोहरत सिर्फ तुम्हें मिलनी चाहिए। मुझे भी ऐसे ही लगता था कि मेरे गाने बहुत अच्छे हैं, लेकिन इतने सालों की कोशिश के बाद अगर किसी और को ऐसा नहीं लगता तो शायद मैं ही गलत हूँ, शायद मेरे गाने वाकई बेकार हैं। मैं ये नहीं मानता। रोहित, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। हो सकता है, लेकिन इन्हें बेचकर अगर मुझे सोनू मिल जाता है तो ये गाने मेरे लिए अनमोल हैं, वरना सिर्फ कागज पे कुछ लकीर है। धड़कना तूने सिखाया, दिल को तड़पना तूने सिखाया, आंखों में आंसू छुपे थे कहीं, इनको छलकना तूने सिखाया। सीने में बसाया क्यों दिल से जब खेलना ही था, हमसे दिल लगाया क्यों, हमसे मुंह मोड़ना ही था। दिल मेरा चुराया क्यों, Why did you break my heart? Why did you fall in love? Why did you go away, away? थी नजरें जब भी नजर से उठते थे शोले जैसे जिगर से, सांसों से निकला जैसे धुआं सा, बनता था मुझसे जीते न मरते। आग क्यों लगाई जब बुझाए बिन छोड़ना ही था, हमसे दिल लगाया क्यों, हमसे मुंह मोड़ना ही था। और अब दोस्तों, इस साल के बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड फॉर द सॉन्ग दिल मेरा चुराया क्यों गोज टू अमर कौशिक।
यस मिस्टर भोजवानी, यू मे प्रोसीड। रोहित कुमार के वकील मिस्टर भतीजा ने मुझे आज ये चिट्ठी भेजी है जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी मिसेस किरण को डिवोर्स देने की शर्त मंजूर कर ली है, मगर मेरे क्लाइंट की दूसरी शर्त कि उनका बेटा सुनील कुमार फौरन उनके हवाले कर दिया जाए वो नामंजूर कर दी है। इस शर्त में ये मुकदमा सिर्फ इसलिए है कि ये बच्चा किसके पास रहेगा। दलील शुरू करने से पहले मैं कुछ गवाह पेश करना चाहूंगा। ये वकील बहुत सॉलिड है। मैं जो कुछ भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मिसेस रामदयाल, क्या आप अदालत को आपकी बेटी मिसेस किरण के बारे में कुछ बताएंगी? मेरी बेटी एक बहुत ही सीधी साधी लड़की है। जो अच्छे घराने की लड़कियों के लक्षण होते हैं वो सब हैं उसमें। बहुत ही आज्ञाकारी लड़की है वो। तो आपकी मर्जी के खिलाफ उसने रोहित कुमार से शादी क्यों की? बस ये एक ही भूल उसने जिंदगी में की है जिसका नतीजा उसे आज तक भुगतना पड़ रहा है। इस आदमी ने उस पर इतने जुल्म ढाए हैं कि आधी रात को उसे घर छोड़कर जाना पड़ा। थैंक यू मिस्टर रामदयाल, आप जा सकती हैं। मिस्टर रामदयाल, रोहित कुमार के कैरेक्टर के बारे में आप अदालत को कुछ बताएंगे? उसके बारे में क्या बोलूं? इस आदमी का कोई कैरेक्टर ही नहीं है, उसके बारे में क्या बोल सकता हूं? मेरे हिसाब से एक नंबर का बदमाश और आवारा आदमी। इसकी भोली सूरत पे मत जाइएगा। इसी सूरत और बातों की झांसों से इसने मेरी बेटी को फंसाया है। अच्छा, ये कह के कि बहुत बड़ा सिंगर, बहुत बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर बनने वाला, लेकिन आज ही उसी कटे में है और वहां से मेरी बेटी निकल के कहां से कहां पहुंच गई। और हम नहीं चाहते कि सोनू इसके साथ रह के इसी की तरह आवारा और बदमाश बने। थैंक यू मिस्टर रामदयाल। अपनी जिम्मेदारियों को संभालने में रोहित कुमार ने कभी कोई हिचकिचाहट दिखाई? जी नहीं। उन्हें टालने की कोशिश की? जी नहीं। अपने बेटे के प्रति कभी कोई लापरवाही, झुंझलाहट, खींच? जी कभी नहीं, बल्कि वो ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने बेटे के साथ ही गुजारता है। उसके साथ हंसना, खेलना, कहानियां पढ़ के सुनाना, घुमाने ले जाना, सुनील ही उसकी जिंदगी है, उसका सब कुछ। मैंने बहुत कम ऐसे बाप देखे जो अपने बच्चे के लिए इतना सब कुछ करते हैं। शुक्रिया फरीदा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दैट्स ऑल योर ऑनर, योर विटनेस मिस्टर भोजवानी। फरीदा जी, आप मिसेस किरण को कितने सालों से जानती हैं? तकरीबन 7 साल से। गुड। कभी भी मिसेस किरण ने आपको अपनी जाती जिंदगी के बारे में कुछ बताया? ऑब्जेक्शन मीलॉर्ड, मिसेस किरण की जाती जिंदगी के सवाल सिर्फ मिसेस किरण से ही किए जाने चाहिए। ओवररूल्ड। अपनी जाती जिंदगी के बारे में कुछ बताया था? जी। क्या? दरअसल वो खुश नहीं थी। खुश नहीं थी किससे? रोहित से। क्या मिसेस किरण ने आपको कभी भी यह कहा था कि रोहित कुमार को अपने बेटे की बिल्कुल परवाह नहीं है? फरीदा जी जवाब दीजिए, मैंने सुना नहीं। हाँ, लेकिन ये सब बातें किरण के घर छोड़ने से पहले। यानी कि रोहित कुमार को अपने बेटे की बिल्कुल परवाह नहीं थी। अब ये बताइए फरीदा जी कि आपने कभी भी मिसेस किरण को घर छोड़ने की राय दी थी? जी नहीं। घर छोड़ने के 3 दिन पहले फरीदा जी आपने ये नहीं कहा था कि अगर तुम इतनी ही दुखी हो तो तुम्हारे लिए घर छोड़ना ही बेहतर होगा? हाँ, लेकिन मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि वो वाकई ऐसा कुछ कर। अगर तुम इतनी ही दुखी हो तो रोहित से अलग हो जाना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। लेकिन किरण मेरी अच्छी दोस्त थी और मुझे उसकी फिक्र थी और अब भी है, इसलिए मैंने उससे जो कुछ भी कहा था वो इसलिए कहा। इसका मतलब ये हुआ फरीदा जी कि आपको भी यही लगा था कि अगर किरण रोहित के साथ रहती तो या वो पागल हो जाती, या उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता, या आत्महत्या करने के लिए भी मजबूर हो जाती। लेकिन मैंने ऐसा। और आप चाहती हैं कि एक मासूम बच्चा ऐसे आदमी के साथ रहे। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। किरण, तुम बहुत बड़ी भूल कर रही हो। रोहित बिल्कुल बदल गया है। ऑर्डर ऑर्डर। वो पहले जैसा नहीं रहा है। किरण प्लीज मेरी बात सुनो। ऑर्डर ऑर्डर। सुनील को रोहित से अलग मत करो प्लीज, उसे सुनील की जरूरत है, उसके बिना वो। ऑर्डर ऑर्डर इन द कोर्टरूम प्लीज। प्लीज किरण, अगर आप नहीं जाती तो इसे अदालत की तौहीन माना जाएगा। मिस्टर भातीजा, आप कैसा केस लड़ रहे मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इस तरह तो हम लोग केस हार जाएंगे। प्लीज हटिए आप। उनके वकील को देखिए, हमारा हर गवाह सच कह रहा है फिर भी वो झूठ साबित कर रहा है।
वो आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि मैं भी झूठ बोलूं? नौजवानी की तरह टुच्चेपन पे उतारा फिल्मी मैगजीन की तरह मिसेस किरण की ज़ाती ज़िंदगी में गंद उछालूं? ये साबित करूं कि वो पागल है या गैर मर्दों के साथ सोती है? लेकिन ये सच नहीं है। आपको सच की फिक्र है या आप अपना बच्चा चाहते हैं? बोलिए बोलिए, मैं वैसे कैसे लड़ता हूँ? बोलिए, मैं भी उसकी तरह झूठी गवाही पेश कर सकता हूँ, करूं? जी नहीं, आप ईमानदारी से केस लड़िए। आई एम सॉरी। और आज उसे देखिए कैसे अकेले उसने अपने आप को संभाला है। मेरे ख्याल से वो एक आदर्श नारी है। शी इज द अल्टीमेट वुमन। थैंक यू मिस सुनीता। मिस अवधिजा, नो क्वेश्चन योर ऑनर। मिलॉर्ड, मेरा अगला गवाह है मिस्टर मूलचंद गंगर। ये कहां से आ गया? पता नहीं मुझे। कौन है ये? हमारे मोहल्ले का बनिया है, मेरी इसके साथ बनती नहीं है। आपने कुछ बताया नहीं इसके बारे में मुझे? मूलचंद जी, आपकी दुकान रोहित कुमार के घर के नीचे है। बिल्कुल। फिर तो आप रोहित कुमार को अच्छी तरह जानते होंगे। बहुत अच्छी तरह। सुना है आपकी दुकान से सारा सामान उधार में ले जाते हैं? हमेशा। फिर आपकी उधारी तो चुकाते ही होंगे? नहीं नहीं, उसके बावजूद आप उन्हें सामान उधार में देते रहे? वो तो हम सबको देते हैं, आप हमारी दुकान पे आओ तो आपको भी देंगे। क्या आपने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने की धमकी दी थी जब इन्होंने शराब के नशे में धुत होकर आपको मारा था? अब वो तो मैं अगर आपकी पत्नी के बारे में कुछ उल्टा सुल्टा बोलूं तो आप भी मुझे मारोगे, उसका मतलब ये थोड़ा है कि आप बुरे आदमी हो। नहीं, सवाल अच्छे बुरे का नहीं है मूलचंद जी, सवाल आदमी की नीयत का है। क्या इस हादसे के बाद भी इन्होंने आपके पैसे चुकाए थे? जी नहीं। तो इन हालात में एक आदमी घर कैसे चलाएगा, अपने बच्चे को कैसे पालेगा? अपने बच्चे सुनील को? हाँ। अरे सुनील के लिए तो वो अपनी जान दे दे, वो अपने बच्चे को बहुत प्यार करता है वकील साहब, उतना प्यार करता है जितना प्यार मैं अपने बेटे को नहीं करता। देखिए, पेट की आग प्यार से नहीं बुझती है। वो बाप अपने बेटे को क्या देगा जिसने अपना घर खुद ही उजाड़ा है? नहीं, घर रोहित कुमार ने नहीं उजाड़ा है, घर उजाड़ा है उसने, वो औरत ने, वो जो वहां बैठी है उसी ने बर्बाद किया रोहित कुमार का घर। जो आपसे पूछा जाए उसी का जवाब दीजिए, फैसला मत सुनाइए। माफ करना जज साहब, मैं कोर्ट में पहली बार आया हूँ, कोई भूल हो गई हो तो माफ कर देना प्लीज। ये तो इन्होंने बुलाया इसलिए मैं आया। अब जाइए। नहीं नहीं, आपकी बात सच है, आपकी बात सच है कि जब भी रोहित कुमार ने मेरे पैसे नहीं चुकाए मैंने उनसे बहुत नफरत की है, झगड़ा भी किया है। लेकिन यहाँ सवाल मेरे पैसे का नहीं है, उनके बेटे का है। आप मुझसे पूछते ना कि वो क्या देगा अपने बेटे को? आपको मालूम है भाई, लुट गया अपने बेटे के लिए वो आज। आप जानते हैं ये कोर्ट कचहरी का खर्चा आसान होगा किरण देवी के लिए, बहुत बड़ी हीरोइन है, बहुत पैसा है ना उसके पास। लेकिन ये रोहित कुमार के लिए आसान नहीं था। फिर भी अपने बेटे को पाने के लिए उसने क्या किया मालूम है? उसने अपने सारे जीवन की कमाई, अपना सारा संगीत, अपने सब गाने अमर कौशिक को बेच डाले और वो आज उसके म्यूजिक को अपने नाम से चला रहे। और ये बात तो आपको रोहित कुमार ने ही बताई होगी। नहीं नहीं, रोहित कुमार क्या बताएं, मैं जानता हूँ। अरे मैंने सुने उनके गाने, उनके गाने सुन सुन के मेरे कान पक गए थे। वो गाना है ना, राजा को रानी से प्यार हो गया, वो गाना रोहित कुमार का है। किरण जी, आप अपने बेटे से प्यार करती हैं? जी, बेहद। फिर भी आप उसे छोड़कर चली गई, क्यों? रोहित का ये सोचना कि मैं हमेशा नाकामयाब ही रहूंगी मेरे आत्मविश्वास को तोड़ने लगा था। मैं ये मानने लगी थी कि जरूर मुझ में कुछ कमी है, मैं उलझ गई थी, अपने आप को खोने लगी थी और इस उलझन और घुटन में घबरा के मैंने घर छोड़ दिया। और उस वक्त मुझे यही लगा कि सुनील की बेहतरी इसी में है कि मैं उसे अपने साथ ना ले जाऊं। तो फिर आज आप क्यों चाहती है कि आपका बेटा आपके हवाले कर दिया जाए? मैं जानती हूं कि एक बार मैं उसे छोड़ के चली गई थी, यकीन मानिए इस भूल के लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकती। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं और मुझे अपने आप पे पूरा भरोसा है, मैं सोनू की देखभाल अच्छी तरह से कर सकती हूं।
आखिर 5 साल मैंने उसे संभाला है, 2 साल अलग रहने की ये सजा तो नहीं कि मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया जाए और उसे भी मेरी जरूरत है। मैं ये नहीं कहती कि उसे अपने बाप की जरूरत नहीं, लेकिन अभी वो बहुत छोटा है और उसे अपने बाप से ज्यादा अपनी माँ की जरूरत है और मैं उसकी माँ हूं। मैं उसकी माँ हूं। थैंक यू मिसेस किरण, दैट्स ऑल माय लॉर्ड। मिसेस किरण, अपने पति मिस्टर रोहित कुमार के साथ आपने करीब 6 साल गुजारे, इन 6 सालों में कभी आपको इन्होंने मारा पीटा? जी नहीं। कोई गाली गलौज? नहीं। अपने बेटे के साथ कोई ज्यादती की? जी नहीं। अपने पति को आप शराबी कहेंगी? नहीं। इन्होंने आपके साथ कोई बेवफाई, मेरा मतलब है किसी गैर औरत के साथ इनके ताल्लुकात रहे? जी नहीं। तब तो साफ जाहिर है कि आपने अपने पति को क्यों छोड़ा। खैर, ये बताइए मिसेस किरण कि शादी से पहले सबसे लंबा जाती रिश्ता आपका किसके साथ रहा? मेरे माता पिता के साथ। जिनके साथ आपने कोई 22 साल गुजारे होंगे? जी। फिर भी आप उनकी मर्जी के खिलाफ गईं और रोहित कुमार से शादी कर ली, राइट? जी हाँ, क्योंकि मैं रोहित से प्यार करती थी। आई सी। अच्छा, अपने माँ बाप को छोड़कर सबसे लंबा जाती रिश्ता आपका किसके साथ रहा? मेरे ख्याल में मेरे बेटे सुनील के साथ। जिसके साथ आप 5 साल रही और तब से अब तक सिर्फ एक बार मिली। मिसेस किरण, आपके पति, आपको नहीं लगता कि सबसे लंबा जाती रिश्ता आपका इनके साथ रहा? मिसेस किरण, मैंने कुछ सुना नहीं जी। कितने सालों तक ये रिश्ता रहा, शादी से पहले और शादी के बाद? करीब 7 साल। 7 साल। इसका मतलब यह कि वो रिश्ता जिसे समाज में हम शादी के नाम से जानते हैं, जिसे हमारी संस्कृति में पवित्र और अटूट माना जाता है, सबसे अहम माना जाता है, उस रिश्ते को कायम रखने में आप नाकामयाब रहीं। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। ओवररूल्ड। मिसेस किरण, आप जवाब दीजिए प्लीज। बोलिए मिसेस किरण, क्या आप मानती हैं कि इस रिश्ते को बरकरार रखने में आप नाकामयाब रहीं? नहीं, मैं नाकामयाब। नाकामयाब नहीं, तो इसे आप क्या कहेंगी, कामयाब? मिसेस किरण, आपकी शादी तलाक तक पहुंच चुकी है। ये हम दोनों की नाकामयाब। हम दोनों नहीं मिसेस किरण, आप नाकामयाब रहीं। अपने पति का घर छोड़कर आप चली गई थी, वो नहीं। इस रिश्ते को कायम रखने में आप नाकामयाब रहीं। हमारी शादी नाकामयाब। शादी नहीं मिसेस किरण, आप नाकामयाब रहीं। जिंदगी के इस अहम रिश्ते को कायम रखने में आप नाकामयाब रहीं। हाँ या ना? जरा जोर से बोलिए मिसेस किरण, मैंने सुना नहीं। हाँ या ना? योर ऑनर, 22 साल के अपने मां बाप के रिश्ते को इन्होंने एक दिन में तोड़ दिया, 7 साल के अपने पति के रिश्ते को इन्होंने एक पल में तोड़ दिया, तो इस बात की क्या गारंटी है योर ऑनर कि बच्चा मिल जाने के बाद ये उसे भी 2 या 3 साल में नहीं छोड़ देंगी? कल के बाद आपका केस वीक हो गया, इसके बारे में क्या कहेंगे? नो कमेंट्स प्लीज। मिस्टर भजवानी, वन क्वेश्चन प्लीज। मिस्टर भजवानी, आज तक आपको केस नहीं आ रहे, लेकिन लगता है इस बार आप ये केस हार जाएंगे। नो कमेंट्स प्लीज। योर ऑनर, आमतौर पर ऐसे झगड़ों में हमेशा औरत का पल्ला भारी रहता है, क्योंकि वो एक औरत है, एक माँ है। लेकिन इस वक्त सवाल बच्चे का है। जहां तक मैं समझता हूं, अदालत को यह फैसला करना है कि बच्चे की भलाई किसमें है, सुनील की भलाई किसमें। पिछले करीबन 2 सालों से मैं उसकी देखभाल कर रहा हूं, कुछ चीजें सीखी हैं और बहुत चीजों का एहसास हुआ है, और धीरे धीरे मैं समझ पाया हूं कि एक अच्छा बाप बनने के लिए क्या जरूरी है। जरूरत है धीरज की, जरूरत है उसके साथ वक्त गुजारने की, घंटों तक उसकी अजीब अजीब बातें सुनना,
सुनते सुनते थक जाना लेकिन फिर भी उसकी बातें सुनते रहना, उसके सैकड़ों सवालों का जवाब देना, जब भी उसे जरूरत हो उसके पास रहना ताकि उसे कभी अकेलापन महसूस ना हो। और ये सब करने के लिए प्यार की जरूरत है, और मैं ये नहीं जानता कि ये कहां लिखा है कि एक औरत मर्द से ज्यादा प्यार दे सकती है, कि एक मां अपने बच्चे को बाप से ज्यादा प्यार करती है। मैं ये नहीं कहता कि इससे अच्छी परवरिश नहीं हो सकती, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। मुझे कभी कभी गुस्सा भी आता था, मैं उसे डांट देता और वो रूठ कर सो जाता, लेकिन फिर हम दोनों सुबह उठते, साथ नाश्ता करते, हंसते बातें करते जैसे कि कुछ हुए नहीं हो। फिर मैं उसे स्कूल छोड़ने जाता, स्कूल से लौटते वो मुझे दिन भर की बातें बताता, रात को हम दोनों साथ खाना खाते और फिर मैं उसे कहानियां सुनाता। हमने अपनी एक दुनिया बनाई है बहुत प्यार से, और अगर ये टूट गई तो फिर कभी बन नहीं पाएगी। किरण ऐसा मत करना प्लीज, मेरे साथ दोबारा ऐसा मत करना। रोहित कुमार, आपने अभी अभी अदालत से यह कहा कि अदालत को यह सोचना चाहिए कि आपके बेटे सुनील की भलाई किसमें है। जी, आपकी मुलाकात जब पहली बार मिसेस किरण से हुई तब आप कॉपर चिमनी रेस्टोरेंट में काम करते थे। जी हाँ। उस वक्त आपकी तनख्वाह क्या थी? 3,000 रुपए महीना। 3,000 रुपीज अ मंथ। लेकिन आपको तो वहां से निकाल दिया गया था। निकाला नहीं गया था, मैंने वो नौकरी खुद छोड़ दी थी। नौकरी छोड़ दी? मैंने तो सोचा था कि शादी के बाद आदमी के खर्चे और जिम्मेदारियां और बढ़ जाते हैं। मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना था, एक कामयाब सिंगर बनना था मुझे। ओह गुड, तो एक सिंगर बनने के लिए आपको बहुत ऑफर्स आए होंगे। मुझे एक ऑफर आई थी अमर कौशिक की। अमर कौशिक के साथ? लवली, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपने उनकी कोई भी फिल्म में गाना गाया हो या गाया था। मैंने वो फिल्म छोड़ दी। वो भी छोड़ दी? क्यों? हमारे बीच कुछ अनबन हो गई थी इसलिए। अनबन? इसके बाद आपने क्या किया? मैंने अपनी पुरानी नौकरी फिर से शुरू कर दी, वही कॉपर चिमनी रेस्टोरेंट। जी। इस बार आपकी तनख्वाह क्या थी? मिस्टर रोहित, मैंने सुना नहीं, इस बार आपकी तनख्वाह क्या थी? 2,500 रुपए। 2,500? पहले 3,000 और अब 2,500? मिस्टर रोहित, अब पहले ऐसे इंसान होंगे जो तरक्की की सीढ़ी ऊपर से नीचे की तरफ चढ़ते हैं। और मुझे नहीं लगता कि इसमें आपके बेटे की भलाई है। एनीवे, 13 सितंबर की रात को आपने कॉपर चिमनी रेस्टोरा के कैशियर से 5,000 रुपये लूटने की कोशिश की। ऑब्जेक्शन मिला। लूटने की? ओवररूल। देखिए, लूटने की कोशिश नहीं की थी, मैं सिर्फ एक उधार मांग रहा था। आपने जबरदस्ती पैसे छीनने की कोशिश की थी, और जब वहां के वेटरों ने आपको पकड़ना चाहा तो आपने उनके साथ मारपीट भी की थी। देखिए, मैं सिर्फ एक उधार ले रहा था जो मैं वापस करने वाला था। और सिर्फ मारपीट ही नहीं, मिला और रेस्टोरा का पूरा फर्नीचर तोड़ा गया था, रेस्टोरा को काफी नुकसान भी पहुंचा था, और इस जुर्म के लिए रोहित कुमार को कुछ घंटों के लिए हवालात की हवा भी खानी पड़ी थी। हाँ या ना? आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? क्या मेरी बात का जवाब सिर्फ हाँ या ना में दीजिए। हाँ या ना? देखिए, मैं जवाब ही देने की कोशिश कर रहा हूँ जो मैं हाँ या ना मैं नहीं दे सकता। मिस्टर मेहरा से मैंने सिर्फ एडवांस लिया था, मैं 3-4 महीनों में कटवा देता। जन्मदिन था, उसने मुझसे एक तोहफा मांगा था और मैंने उसे वादा किया था मैं उसे तोहफा दूंगा। मिस्टर रोहित कुमार, आप चिल्लाना बंद करिए वरना इस अदालत की तौहीन माना जाएगा। मिस्टर भोजवानी, यू मे प्रोसीड प्लीज। आपने हवालात की हवा खाई थी या नहीं? जी हाँ। गुड। नाउ मिस्टर रोहित, क्या आप अपने आप को एक जिम्मेदार बाप समझते हैं?
तो क्या ये सच है कि आपकी लापरवाही की वजह से आपका बेटा सुनील अपनी एक आंख खोने वाला था? ऑब्जेक्शन मी लॉर्ड, ओवरऑल्ड। आपका बेटा सुनील अपनी एक आंख खोने वाला था? देखिए, वो पार्क में खेल रहा था और वो गिर गया। वो आपकी लापरवाही से गिर गया था मिस्टर रोहित, और इसकी वजह से वो अपनी एक आंख खोने वाला था। देखिए, वो एक हादसा था जो किसी के साथ। सच नहीं है कि आपने ही अपनी पत्नी मिसेस किरण से कहा था कि वो आपकी लापरवाही की वजह से गिर गया था और अपनी एक आंख खोने वाला था? मिस्टर रोहित, बताइए क्या ये सच है या नहीं? जी, तो आप मानते हैं कि आपकी लापरवाही की वजह से आपका बेटा अपनी एक आंख खोने वाला था? जी। That's all, my lord. रोहित, मुझे नहीं मालूम था मेरा वकील ये बात कोर्ट में लाएगा। उसने तो मुझसे बहुत सारी चीजें पूछी थी, मैंने तो सिर्फ उसके सवालों का जवाब दिया। मैं जानती हूँ तुम्हारी गलती नहीं थी, मेरा यकीन करो, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। प्लीज बिलीव मी रोहित, रोहित प्लीज। तमाम गवाहों के बयानों को सुनने के बाद अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि बच्चा सुनील कुमार मिसेस किरण के हवाले कर दिया जाए। कांग्रेचुलेशंस मिसेस किरण। आइसक्रीम खाओगे? नहीं, मुझे गोला चाहिए। चलो। पता है दादी, मेरे क्लास के सारे बच्चे स्कूल ट्रिप पे शिमला जा रहे हैं, लेकिन मैं उनके साथ नहीं जाऊंगा। मैं तो आपके साथ माथेरान जाऊंगा। हम लोग तो बहुत मजा करेंगे, सिर्फ हम और आप, है ना दादी? दादी, हम लोग उधर काइट्स बहुत उड़ाएंगे और हम लोग क्रिकेट का सामान भी लेके जाएंगे। मान लो कल जो ये सारी दुनिया साथ मेरा नहीं देगी, कौन है फिर मेरी मंजिल का हम सफर? सोनू, हाँ? मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। ये ले बेटा, मेरी तरफ से प्रेजेंट सीजन बॉल। क्रिकेट खेलने को आना, हम लोग मैच खेलेंगे। हाँ, और तू मेरी टीम में खेलेगा, समझे? हम दोनों मिलके इस बनिए की टीम को हरा देंगे। यस। रामदयाल सेठ का फोन आया था कि उधर से गाड़ी निकल गया है। अच्छा, जरा सामान उठाओ, हम लोग नीचे चलते। मत रो सोनू, चलो। मम्मी के यहाँ बहुत मजा आएगा तुमको, वहाँ बहुत सारे खिलौने होंगे तुम्हारे लिए, और फिर मैं भी तो आऊंगा तुमसे मिलने के लिए, है ना? कम ऑन, चेयर अप। फरीदा, जरा इसको नीचे ले जाओ, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। तुम्हारा बैट कहाँ है सुनील?
बैट कहाँ है तुम्हारा? भूल गया होगा, मैं लेकर आता हूँ। आओ बेटे। सोनू नीचे गया। रोहित मैं तुमसे कुछ क्या? ये सोनू का बैट है, ऊपर ही भूल गया था। मैंने कल ही क्रिकेट का सारा सामान खरीदा। क्यों, अब ये बैट उसके लिए ठीक नहीं है क्या? नहीं, मेरा मतलब मुझे अचानक याद आया कि सोनू को क्रिकेट का बहुत शौक है। और यही नहीं, मैंने वो सारे खिलौने खरीदे जो उसे हमेशा चाहिए थे। और जानते हो, मैंने उसका कमरा बिल्कुल वैसे ही बनाया जैसे यहाँ है। वही बिस्तर, वही छोटी सी टेबल, वही अलमारी, यहाँ तक मैंने दीवारों के रंग भी बदल, क्योंकि मैं चाहती थी कि जब सोनू सुबह उठे तो उसे लगे कि वो अपने ही घर में है। और मुझे एहसास हुआ यही उसका घर है। बेचारे जो से घर नहीं बता रहे, सोनू यही रहेगा, यही उसका घर। बहुत दुख हुआ होगा। आज मैंने जाना कि इंसानी रिश्तों से बढ़कर और कोई चीज नहीं होती। I'm sorry, Rohit. जो कुछ भी हुआ उसके लिए I'm sorry. सोनू, तुम यही रहोगे पापा के पास। यही तुम्हारा घर है। किरण, ये घर तुम्हारा भी है।